कैप्चर लें आप ये, और हम थ्रेड जो है कॉम्पिटिशन का इम्पोर्ट से वो हम रिड्यूस कर लेते हैं हमारी एफडीआई, तो हमारी एफडीआई के पास वो डिजायर ही नहीं होता जो कॉम्पिटिशन और इनोवेशन का जो आता है। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज लोकलाइजेशन और रीजनल प्रोग्राम से है, और हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्वालिटी अपग्रेड्स और प्रोडक्ट एनहांसमेंट की जो है उसमें हम लोग ने तवज्जो दिया ही नहीं है। तो एक एंटी एक्सपोर्ट बायस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोड्यूसर्स इनवर्ड लुकिंग ही रहे। फिर सनसेट क्रॉप की बात आ जाती है जो वो एग्जिस्ट ऑलमोस्ट करती नहीं है, अगर करती भी है तो उसमें हम एक्सटेंशन और ये इन्वेस्टर जो है वो अपनी लॉबी करके एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो ये बात ही नहीं होती हमारी वो इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए, जो हमें एफिशिएंसी की बात चाहिए जो वो है हमारी वो डिबेट है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ हम पुश ही नहीं है। तो प्रोटेक्टिव मार्केट देते हैं और क्वालिटी अपग्रेडिंग और क्वालिटी चेक्स एंड बैलेंसेस की बात बड़ी कम है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये भी देखा जाए मोबाइल फोन में आप देख रहे हो, तो हमें ऑटो इंडस्ट्री में देख लें तो एक रिडंडेंट प्रोडक्ट्स की बात आ जाती है जो सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट और ये अनलाइकली टू बी एक्सपोर्टेबल। दुनिया में कोई और डिमांड नहीं होती है रिडंडेंट आउटडेटेड प्रोडक्ट्स जो हम लोग सेल कर रहे होते हैं, आप गाड़ियों में भी ले लें और आप मोबाइल फोन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी अगर देखा जाएगा अनफॉर्चुनेटली हमारी अनकम्पेटिटिव है। एक्सचेंज की बात आ जाती है उसकी हमारी, बिकॉज हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम लोग फिक्स रखते हैं फिर बाद में एकदम से उसको डीवैल्यू करना पड़ता है, तो उसकी वजह से एक अनसर्टेंटी आ जाती है हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है। फिर हमारे कस्टम्स एंड ट्रेड ऑब्स्टेकल्स जो है रिस्ट्रिक्शन जो हम लगाते हैं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए जो हम लोग ये इशू जो आ जाता है, तो इन एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए जहां पे इनोवेशन की जरूरत हो, और वो अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। हमारे जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज है वो ये इंसेंटिव नहीं देते, तो अनफॉर्चुनेटली वो फेल कर लेते हैं एक इफेक्टिव एफिशिएंसी बूस्टिंग के लिए जो हमें एक्सपोर्ट की तरफ ले जाए हमारी एफडीआई। अनफॉर्चुनेटली यही पूरा हमारा एक मसला आ जाता है। तो सर जी थैंक यू आदिल, मेरे ख्याल हमने कुछ ब्रीफली आइडेंटिफाई तो की है अपनी बीमारियां, उन बीमारियां क्यों बीमारियां हुई उस पर नहीं हम जा सकते, मगर हमारे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं तो ये बात तो हर कोई जानता है कि हालात ख़राब हैं, क्यों ख़राब हैं। ये सवाल कि क्या हालात ठीक हो सकते हैं, जो हमारे इतने नौजवान हैं क्या इनके लिए कोई होप है, इनको क्या उम्मीद है, क्या वो चीज़ें करनी चाहिए। हम तो टाइम कम है, मैं शुरू करूंगा डॉक्टर साहब से, क्योंकि मैंने देखा है कि जो डेमोग्राफिक्स हैं वो एक इटसेल्फ बहुत बड़ा सरमाया है, और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक वेस्ट एंड इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान वो 2030 में कोई $1,000 अरब का इकोनॉमिक लॉस उनको एडिशनल होगा बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक्स कि उनके पास नौजवान नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि ये बरे सगीर की अगली दिहाई है, हम उस दिहाई में हमारे पास इतने नौजवान हैं, इतने मैं समझता हूँ कि बड़े एम्बिशियस भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए कि हम अपने सरमाए को इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान को भी तरक्की की तरफ ले जा सकें और इनके लिए भी कोई उम्मीद पैदा कर सकें। चलिए हालात इतने, एक तो ये कि ये जो आग है इन्फ्लेशन की, इंटरेस्ट रेट्स की, इकोनॉमिक स्ट्रेस की, ये वर्ल्ड वाइड है। सो हमारी रिलेटिव प्रॉब्लम एब्सोल्यूट लेवल में हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मगर रिलेटिव प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मगर उनको ऑर्गेनाइज कर उस पर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। पहले जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने आईटी की बात की, तो आईटी पे गुफ्तगू ज्यादा हो रही है और उसका स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हम सब लोग जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या जो भी लोग अरबाब इख्तियार हैं और इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं, वो दो तरफ काम कर रहे हैं, यहाँ वो मैस लेवल पर एक आईटी के दरमियाने से कोर्सेज डेवलप करके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जिससे फ्रीलांसर्स डेवलप हो रहे हैं, जबकि फ्रीलांसर्स जो हैं अगर हम आईटी की वैल्यू चेन देखें तो उसमें सबसे नीचे आते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी हायर लेवल स्किल्स हैं उस पर काम नहीं हो रहा, तो और ये यूथ से ऊपर का काम है,
ये मुसद्दिक साहब का काम है, इनका काम है, जो लोग पॉलिसी इनपुट्स दे सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, तो इसको, ये जो इकोसिस्टम है आईटी का, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आईटी एक वाहिद ट्रेड है जिसके अंदर इंपोर्टेड कंपोनेंट नेग्लिजिबल है, नॉट इवन 1%, और सारे का सारा हमारा ह्यूमन रिसोर्स उसके अंदर यूटिलाइज हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा, जो सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है वो आईटी है, मगर जिस तरीके से हो रहा है उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। मेरे एक दोस्त, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं, उन्होंने मुझे कोर्ट मोमेंट बुलाया कोई 15 दिन पहले की, जरा तुम्हें एक चीज दिखानी है। अब ऑफ ऑल द प्लेसेस कोर्ट मोमेंट, मैंने ये भी पूछा कि रास्ते में कोई डाका तो नहीं पड़ जाएगा, तो वहां पहुंचे तो टू माई सरप्राइज 5-5 मरले के 3 घर एक बच्चे ने लिए हुए हैं, और वो 2 साल से वो वहां पर बैठ के काम कर रहा है। ही हैड कॉस्ट $1 million टर्नओवर दैट डे, $1 million का टर्नओवर उन्होंने किया। और बड़ी बड़ी जगह पर बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं जो अभी सरफेस नहीं हो रहे और वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। सो आईटी इज वन। सेकेंड, पूरी दुनिया में इस वक्त स्किल शॉर्टेज है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज नेगेटिव, और जो क्रिटिकल स्किल्स हैं उनकी शॉर्टेज है, इवन जनरल स्किल्स की भी शॉर्टेज है। तो अगर हमारे बच्चे ये देखें और कि कौन कौन सी स्किल्स शॉर्ट हैं, और ये हर मुल्क की अपनी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पे मौजूद है, तो अगर उस स्किल पर ध्यान दें और पॉलिसी मेकर्स उसको अलाइन करें हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग को उसके साथ, तो एक बहुत मैसिव स्किल एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी है उन स्किल्स में जिनके लिए फिजिकली मौजूद होना जरूरी है। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारी अभी इनफॉर्मल हैं इसलिए उसके नंबर्स नहीं है हमारे सामने, मगर वो फॉर्मलाइज जब हो जाएंगी और फॉर्मल इकोनॉमी में भी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो जिन्होंने 4 साल पहले शुरू किया और $40 million के पे वो लोकल ई कॉमर्स की 100% लोकल सेल्स कर रहे हैं। सो देर आर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, जैसे जैसे थ्रेट्स बढ़ रही हैं अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, और वो जो सितारों पे कमल डालते हैं उनके लिए जहां बहुत हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अली डॉक्टर साहब ने कुछ उम्मीद दिलाई है। जो दूसरा पहलू है कि हम तकरीरें भी बड़ी होती हैं, ऐलानात भी बड़े होते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में क्या 2-1 स्टेप्स ऐसे हैं जिससे हम हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं और इस कैश इकॉनमी को डिस्करेज कर सकते हैं, विच वुड हेल्प ऑब्वियसली ग्रो आवर इकॉनमी, क्रिएट जॉब्स, एंड यू सी जो भी सोशल इंटरवेंशन है गवर्नमेंट को, तो आपका क्या ख्याल है? जी, पहले थोड़ा सा मैं इनकी जो बात हुई थी इसको थोड़ा बढ़ा लूं, फिर ये टैक्स और उसके ऊपर आता हूं कि ये हमारी जैसे कि 65% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र के लोगों की है और उन्होंने आगे बढ़ना है तो उनके लिए एवेन्यूज क्या है। तो सबसे पहले जो एक यंग लड़का लड़की होता है, जो नौजवान होता है, वो रोल मॉडल ढूंढता है। अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट लीडर्स देखते हैं, पाकिस्तान के कौन से एक से कॉर्पोरेट लीडर्स हैं जिसको वो रोल मॉडल बना सके, विद फ्यू एक्सेप्शन लाइक योर्स, बाकी सब तो रेंट सीकर्स हैं, ठीक है ना, और आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हैं, और आप मतलब एक्सेप्शन है, मैं मतलब ये नहीं आप साथ बैठे हैं ये हकीकत है। तो इनको हमने क्या रोल मॉडल बनाना है? क्या पाकिस्तान में अगर आईटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कोई अजीम प्रेमजी क्यों नहीं है जो विप्रो जैसा कोई यहां पे एक इंस्टीट्यूशन बना सके? यहां पे मतलब ज़िया चिश्ती जैसे कंट्रोवर्शियल लोग आते हैं, अजीम प्रेमजी नहीं आते हमारे यहाँ। कोई स्टीव जॉब नहीं है या सैम ऑल्टमैन नहीं है जो आजकल का नया है, जो स्टीव जॉब को भी इमुलेट करता था। तो हमें जो कॉर्पोरेट लीडर्स है ना, they have to rise up to the occasion as well, ताकि नौजवान नस्ल उनको देखे और उनके नक्शे कदम पे चले और वो entrepreneurship की तरफ जाए। तो ये एक बड़ी जरूरी चीज है। फिर इसी तरह पॉलिटिकल और बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिनको रोल मॉडल बनाते हैं, और कहीं किसी को रोल मॉडल बनाते हैं उसको जेल में बंद कर देते हैं। तो अब कमिंग टू योर क्वेश्चन के जी, टैक्सेशन और डॉक्यूमेंटेशन,
देखिए मैं थोड़ा सा इस मुल्क की हिस्ट्री में जाता हूँ, मैं चीज को बड़े आसान तरीके से अल्फाज में समझाता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो पढ़ा है, जो लोगों से सुना है कि 1970 की दिहाई पे पाकिस्तान में वॉलंटरी टैक्स पेइंग कल्चर था कि माल रोड पे एक नाई की दुकान होती थी, एक किताबों की दुकान होती थी, वो अपना जो है खुद से वो एक इनकम टैक्स फाइल करता था और अच्छा करता था। 1980 की दिहाई में इस मुल्क के अंदर कुछ पैसा आया, वो जो जंग लड़ी और उसके आगे पीछे आया, वो काले धन का पैसा था, और वो काले धन का पैसा जो है वो फिर ट्रैक करता गया, वो आहिस्ता आहिस्ता इस इकोनॉमी में फैलता गया। फिर उसके बाद सियासत भी 90 की 80 की दिहाई से जिस तरह चले, उसमें जिस तरह पैसा आया और सारा आगे चला, तो वो सब तो हमें पता है कि वो किस तरह हुआ, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इम्पैक्ट ये हुआ कि वो अच्छे अच्छे लोगों को ना खराब करता गया। जैसे एक मोहल्ले में कहते हैं ना कि एक बुरा शख्स आ जाए तो अच्छे लोग वहां से जाने लगा चल जाते हैं, ये नहीं होता कि वो बुरा शख्स निकले, वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह वो काला पैसा जो है ना वो बढ़ता गया, सफेद पैसा कम होता गया। तो वो अब और फिर उस काले पैसे को एवेन्यू चाहिए थे, जो आपने बताया कि रियल स्टेट का एवेन्यू बहुत बड़ा है। दूसरा एग्री वैल्यू चेन में देखें तो जो कमोडिटीज की वो जो होलसेल रिटेल ट्रेड है उसमें बहुत बड़ा है, और फिर इस तरह से और बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स है जिसके अंदर है। तो वो पैसा फिर सियासत में भी आता है, वही सियासतदानों को जो है वो उनकी फंड करता है इलेक्शन को, उसी पैसे को लेके लोग सेनेटर भी बनते हैं, उसी पैसे से लोग FBR में रिश्वतें भी देते हैं। वही पैसा जब हर चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है तो उस पैसे को कौन रोक सकता है। तो एक 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 बुनियादी चीज है कि हमें 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 उन 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 उसको ठीक करना है। हम क्या करते हैं, कुछ साल बाद एक एमनेस्टी स्कीम ले आते हैं। अभी चूंकि अब आजकल इम्कान है कि PMLN का आने का, तो नवाज शरीफ साहब ने भी लाहौर वो चेंबर में कहा था कि जी सनत में कोई पैसा लगाएगा तो हम उससे सोर्स नहीं पूछेंगे। देखिए जी, तो 2018 में भी एक एमनेस्टी स्कीम आई थी, 2020 में एक रियल स्टेट में आई थी, उससे पहले चलते जाए आती है, और वो फिर आती है कि जिसमें जितना काला पैसा बना होता है उसको सफेद कर लो। तो ये एक अमल जारी रहता है। तो जो काले पैसा लाते उसे कहते हैं कल किसी के वक्त भी मैं इसको सफेद कर लूंगा, ले आऊंगा, फिर वो मुल्क से बाहर दुबई इधर उधर चला जाता है। तो पहले तो हमें उसका रास्ता रोकना है। एक एक ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें लोगों का इंसेंटिव होना चाहिए कि या वो पैसा सही तरीके से बनना चाहिए और वो कैसे बने। जब तक वो काला पैसा रहेगा तो रास्ता निकलता रहेगा। दूसरी बात आपका ये है कि आपको जो इंसेंटिव है ना आपका, एक टैक्स पेइंग कल्चर का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं टैक्स क्यों दूं। आज अगर मैं एक सैलरीड हूं या मैं एक फॉर्मल एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का मालिक हूं तो मैं टैक्स दूंगा। अगर मैं एक डॉक्टर हूं, अगर मैं एक लॉयर हूं, अगर मैं एक दुकानदार हूं और मैं कोई ऐसा काम करता हूं, मैं नहीं टैक्स दूंगा। इस कमरे में जितने लोग शामिल है ना, मेजॉरिटी वही टैक्स देते हैं जिनके सेक्टर पे टैक्स है, और जो नहीं होता वो नहीं देते। जो नहीं देते मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो क्योंकि आपको हुकूमत रिटर्न में क्या दे रही है। मैंने अपने बच्चे की एजुकेशन है प्राइवेट करनी है, मैंने अपनी हेल्थ प्राइवेट करनी है, मुझे और इसके अलावा भी बहुत सारी सिक्योरिटी है, पुलिस पे मैं एतबार नहीं कर सकता, वो भी प्राइवेट चाहिए। मेरी मैं इनके साथ कारोबार करता हूं, ये मुझे धोखा देते हैं तो मैं देखूंगा मैं बड़ा बदमाश हूं या ये। तो एक वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना हमें बिल्ड करना है। और यहां पे मैं जो बात है खत्म करूंगा, जो आप मुझे पता है टाइम आ गया, कि ये हमारी जो क्या चीजें ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर हम खुद ठीक होना चाहे। और मेरे ख्याल में आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन, ये दो जनरेशन तो हम बैठे हैं ना, हम फेल हो चुके हैं। जो इस वक्त नई जनरेशन है, जो 65-20 इस मुल्क में है, वो इस वक्त इस मुल्क से क्या चाहती है? वो इस मुल्क से ना कोई इस्लाम चाहती है, ना वो इस मुल्क से कोई कश्मीर की आजादी चाहती है, उसका किसी किस्म का किसी तरह का रोमांसिज्म नहीं है, वो सिर्फ एक अपना सिक्योर फ्यूचर चाहती है। शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक मेरी जनरेशन
और कुछ हद तक आपकी जनरेशन ही ज्यादा मैं अपने जिम्मे लेता हूँ, हमारा हम किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, सियासत हो, वो तजारत हो, इंडस्ट्रियल हो, कुछ भी हो, हमने एज अ टोटल मजमूई तौर पे इंडिविजुअल आपको आइलैंड्स मिल जाएंगे। वी हैव नॉट डन बट वी शुड हैव डन, जो बाकी कॉमन ने किया है और इसकी जिम्मेदारी हमें कबूल करनी पड़ेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ हुकूमतों में डाल देने से काम नहीं चलेगा, हमारे यहाँ बेशुमार वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड सेक्टर्स हैं या रेंट सीकिंग है, और जिसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। और नौजवान नस्ल को मेरा ख्याल है कि मैं तो यही कहूँगा, और मैं फिर आदिल की तरफ आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, कि आप और कुछ भी रहो तो ये तो कर सकते हैं कि उस शख्स से काम ना करें जो टैक्स नहीं देता, उस शख्स से काम ना करें जो लॉ को फॉलो नहीं करता, उस शख्स को वोट ना दें जो टैक्स कल्चर को नहीं लाना चाहता। तो ऐसा ऐसा आप लोग ये तब्दीली ला सकते हैं। इस डिस्कशन से तो ये लगा है कि ऊपर हम सब जो है ना, हमारे पास ये तो पता है कि क्यों हुआ है, उसको करेक्ट करने का किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है, और ख्वाहिश भी शायद नहीं लगती, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट। आदिल, द लास्ट क्वेश्चन टू यू, जो क्योंकि हम इंटरनेशनल इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं, आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत कम बात होती है और हम इस पर हिचकिचाते हैं बात करते हुए, कि इफ यू गो अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में रीजनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल ट्रेड टैक्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कहीं भी चले जाएं, आप एशियान में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप कैफ्टा देख लें, सेंट्रल अमेरिका में देख लें, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी देख लें, अफ्रीकन यूनियन को देख लें, हमारे यहाँ भी साथ है, बट पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसका कोई भी रीजनल पैक्ट हमें कोई फायदा नहीं दे रहा, हम रीजन की इकोनॉमी के साथ मिलकर कोई फायदा नहीं उठा रहे। मैं कई जगह एक बात करता होता हूँ कि हमारे हमें बहुत बताया गया कि पाकिस्तान बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि उसके पीछे ये है कि ये रूस के पास है, चीन के पास है, किसी ने हमें कभी ये नहीं बताया कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहद मुल्क है जिसके सरहदों पे 3 अरब लोग बसते हैं, वो हमारी मार्केट हो सकती है, क्यों नहीं है? तो आदिल, कैन यू कमेंट ऑन दिस, दैट व्हाई आर वी नॉट रीजनली, हम तो हिंदुस्तान का नाम लेने से भी घबराते हैं, हम साया मुल्क कह देते हैं, इतना क्या क्यामत आ गई? वी हैव टू ओपन अप, वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। जी, थैंक यू अगेन। अच्छा, पहले मुझे एक आईटी की जो बात की है उसमें हम पहले एक मुझे एक मेंशन करने दें, एक चीज जो हमने ये है कि इसमें एक एक जो रेवोल्यूशन की जो बात की है उसमें हमने अफेक्ट एक ट्रेड पे भी आता है उसका, तो इंक्रीज डिजिटलाइजेशन की जो बात है उसमें ट्रेड प्रोसीजर प्रोसेसेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है जो हमने ईजी करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब बात करते हैं, तो एक पाकिस्तान सिंगल विंडो, ये एक एक उसकी जो इंट्रोडक्शन हुई थी, ये सिंगल एंट्री पॉइंट है ट्रेड प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस के लिए पाकिस्तान में, जो आपकी आपके जो तजारती तरीके हैं तरीका है उसको इंप्रूव करने के लिए। सो यूएन ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंगली ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, पाकिस्तान का ये पाकिस्तान सिंगल विंडो के इंट्रोडक्शन के बाद जो स्कोर जो इंक्रीज हुआ है 57% से 2021 में 71% चला गया है, और हम आउटपरफॉर्म करते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका को ये पेपरलेस ट्रेड फैसिलिटीज में, बिकॉज ये बांग्लादेश और श्रीलंका के पास ऐसा कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, राइट? तो ये पाकिस्तान के पास एक फुल्ली इंप्लीमेंटेड सिंगल विंडो सिस्टम है, और एक इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ कस्टम्स डिक्लेरेशंस है, और मुख्तलिफ दूसरे भी डिजिटल फैसिलिटीज ऑफर कर रही है पाकिस्तान अपने जो तजारती तबके को, जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं काफी। तो डिजिटलाइजेशन का मतलब ट्रेड प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, इसको काफी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हो सकता है क्रिएट इससे, और इससे काफी कॉस्ट कटिंग और टाइम कटिंग से है डॉक्यूमेंटेशन का, इस पर असर पड़ सकता है। तो पाकिस्तान नीड्स टू फर्दर इंप्लीमेंट दिस, और ये हमें ये बिजनेस बेसिकली बाकी इसको क्रॉस बॉर्डर पे लेके आए, इसको पेपरलेस क्रॉस बॉर्डर भी करें, इसको इसमें दूसरे कंट्रीज के साथ हम अग्रीमेंट करके इसकी बात करें। अब ये क्राइसिस की बात आ जाती है, एवरी टाइम हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम एक कोई भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बुरान की बात आ जाती है, तो इसको एक मौका होकर कैसे हम तब्दील किया जाए। सो पाकिस्तान हम लोग क्या रिकरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हर साल होता है ये, एंड दिस क्राइसिस रिक्वायर्स अस टू टेक फिस्कल एंड एक्सटर्नल जो डेफिसिट है इसको रिड्यूस करने के लिए काफी हमें सिग्निफिकेंट इसमें जो मेजर्स देने पड़ते हैं, जिसका हमारा इकतसादी सरगर्मियां पे काफी एक असर आता है, महंगाई पे भी हमारा जो इस पे आ जाता है, आप अगर देखते हैं तो इसका यही मतलब ये जो क्राइसिस क्यों होता है, इसका ये हमारे जो पैदावार सलाहियतें जो है उसकी वजह से जो नॉन प्रोडक्टिव है हमारी, उसकी जो ड्रेन इफेक्ट जो पड़ता है जो हमारे रिसोर्सेज पे, तो उसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है हमारी वो नहीं एक्यूमुलेट होती। तो इंपोर्टेड इंपोर्ट हमें जो लेने हैं वो हमने हमारी पैदावार सलाहियतों के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोर्टेबल आउटपुट्स,
हम लैक करते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स की, जैसे पार्टिसिपेशन आपने बात की, ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स नहीं, हम इस पर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हमें ये वी फेल टू कन्वर्ट आवर इंपोर्टेड इंपोर्ट्स इनटू एक्सपोर्ट्स, राइट? सो दैट्स द प्रॉब्लम वी फेस. और हमने जो हमारे जो मॉडर्न ट्रेड अग्रीमेंट्स है, हमने जो ट्रेड अग्रीमेंट जो नेगोशिएट किए दूसरे कंट्रीज के साथ, वो उस तरीके के नहीं है जो बाकी दुनिया, जैसे आप बाकी चीजें कैपेसिटीज बिल्डिंग की बात कर रही है, ना ही सिर्फ फ्री ट्रेड की बात करती है, ना ही सिर्फ टैरिफ करने की बात करती है, बट कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करती है. वो अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने उस तरह के हमने देखा नहीं है. तो जब ग्लोबल वैल्यू चेन्स की बात करते हैं तो 6 बिलियन से ये हमारा 6 बिलियन पे है, लेकिन थाईलैंड, इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम की $100 बिलियन से एक्सीड कर चुकी है ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स की जब बात होती है. तो पुश फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, इसमें यही एक बात है कि एफिशिएंसी हमारी ट्रेड पॉलिसीज के, हमारी जो लो टैरिफ रेट्स है, इसमें एक हमने ये पुश करना है और हमने कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उससे फुलफिल करना है. तो डिस्पॉट ही नहीं, हमारा क्वालिटी ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं पाकिस्तान में, हमारा जो मेजर्स है जो इम्पोर्ट के, जो क्वालिटी कंट्रोल्स और ये जो है हमारे इम्पोर्ट पे, वो भी एग्जिस्ट नहीं करते. तो अनफॉर्चुनेटली इस पे बड़ा चैलेंज आता है. तो गवर्नमेंट की यही जो सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल क्वालिटी की जो बात है वो नहीं की जाती. फिर हमारा ये फोकस आता है जो है एसएमई सेक्टर पे. अब पाकिस्तान में 5 मिलियन एसएमईज है, ये अबाउट 90% टोटल फर्म्स है प्राइवेट सेक्टर में, और इसी फीसद ये नॉट फार्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने मेंशन किया, ये हाई कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हाई टैक्सेस, टैरिफ्स, ये चैलेंज क्रिएट करते हैं एसएमईज के फॉर्मल एक्टिविटीज के लिए. तो अनडॉक्यूमेंटेड रहती है एसएमईज, इसकी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती ट्रेड में, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो ये जो इसकी इंक्रीज प्रेजेंस है एसएमईज की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. और लास्ट में ये पॉइंट पे आना चाहिए कि हम वी हैव दिस लॉ फॉर एडवाइजरी बोर्ड्स एंड काउंसिल्स, जो हमने रिसेंटली भी देखा है कि बड़े फॉर्म हुए हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ये होती है, ये एडवाइजरी बोर्ड्स दे हैव अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री लीडर्स, अकॉम्प्लिश्ड बिजनेस एंड इंडस्ट्री लीडर्स काफी इसमें प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें एकेडेमिया का जो रोल है वो मिसिंग है. तो एकेडेमिक का जो आपको जो एक न्यूट्रल व्यू वॉइस जो देता है एक एकेडेमिक, वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग होता है ये पॉलिसी और ये पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में. और ये हमें रोल यूनिवर्सिटीज का करना है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज का काफी रोल है इसमें, जो स्किल्स प्रोड्यूस करने के लिए लेबर फोर्स के लिए, जो हमें एडिक्वेटली ट्रेन, जो हमें लेबर फोर्स चाहिए जो एक्सपोर्ट जनरेट करने के लिए, इसमें यूनिवर्सिटीज का बहुत ही अहम रोल है. मिसिंग रहता है जब हम लोग के रिप्रेजेंटेशन नहीं होती डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कमिटीज में. थैंक यू आदिल, आई हेट टू इंटरप्ट यू बिकॉज आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बट वी आर रनिंग लेट. और मैं बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, लाइक मैंने खुद वायलेट कर दिया, आई डोंट वांट टू वायलेट एनी फर्दर, टू गो फर्दर वी विल प्रॉब्ली हैव अनदर सेशन. बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सबका भी हमें सुनने का. खुदा हाफिज़. थैंक यू जी, थैंक यू अली खजर, वी थरली एंजॉयड द पॉइंट्स यू ब्रॉट अप. मुझे हॉल में नजर आ रहा था. डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आप अप्रिसिएशन के लिए हमारे शील्ड्स लेके आए हैं लाइफ लिटरेरी काउंसिल के मेंबर्स के लिए, वी रिसीव देम जी. और उसके साथ ही हमें एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि आप फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के प्रेजिडेंट नॉमिनेट हो गए. हमारी तो सुनी गई, 10 साल से हम इस हॉल में आ रहे हैं, और सवाए कभी कभी सीट्स चेंज हो जाती हैं, एक दफा कार्पेट चेंज हो गया, उसके अलावा इस हॉल में कुछ नहीं बदला. हर साल आके सफाई भी हम खुद कराते हैं, बाथरूम्स भी हम खुद रिपेयर कराते हैं. तो सर, एक लंबी लिस्ट ऑफ डिमांड्स में जल्दी आपके पास लाना लगे. इसका फायदा ये हुआ कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये, पहले ये गवर्न होता था लाहौर से, तो कॉर्पोरेट्स को बड़ी दुश्वारी आती थी सफाई करने की, उसकी इजाजत लेने की, तो वो हमने इजाजत नामे सारे आज से खत्म कर दिए हैं. और हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं, मगर ये कि हमारी लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए एज कॉर्पोरेट्स, एज बिजनेसेस, एज स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस सिटी. सो आई थिंक जो इनिशिएटिव मुसद्दिक साहब ने लिया, और उस इनिशिएटिव को अब हम और दोस्त इसमें मिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जहां पर है उससे बहुत आगे चला जाए. जी थैंक यू. हमें दो नए हॉल कंस्ट्रक्ट करा दें जी, एक हॉल इज नॉट इनफ. तो मुझे मौका मिला तो सब चीजें मन मालूं. फॉर आवर नेक्स्ट सेशन आई वुड लाइक टू इनवाइट रसूल बख्श रईस साहब ऑन स्टेज. हामिद मीर साहब कुड नॉट कम अनफॉर्चुनेटली, वजाहत मसूद, रीबा शाहिद एंड हारिस फलीक. सोशल मीडिया का सहाफत का नेमल बदल है कि नहीं. थैंक यू.
जी किसी को अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, मैं खुशामदीद कहता हूँ आप तमाम को भी फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल के मुंतजमीन की जानिब से, और हमारा जो एक बहुत ही एक मुख्तदर पैनल है, मेरे बाएं जानिब, वैसे तो तीनों ही इस वक्त बाएं जानिब हैं, हालांकि असली जिंदगी में मैं इन तीनों के बाएं जानिब हूँ, तो मगर ये है कि रसूल बख्श रईस साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर रसूल बख्श रईस इज अ लीडिंग स्कॉलर एंड एकेडेमिक, और अब भी तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, और एक गहरी नजर रखते हैं समाज पे, और जो एक पूरी पाकिस्तान की एक जो सियासी और समाजी और इल्मी मंजरनामा है, फिक्री मंजरनामा है, अ ट्रू पब्लिक इंटेलेक्चुअल। उनके साथ मौजूद हैं अरीबा शाहिद। अरीबा शाहिद साहिबा का ताल्लुक भी सहाफत से है, और बीबीसी की से रॉयटर्स की नुमाइंदा हैं। उनके साथ मौजूद हैं वजाहत मसूद साहब। वजाहत मसूद साहब सहाफी होने के साथ साथ इनका एक इल्मी और अदबी जो मकाम है वो भी निहायत अहम है। चार जबानों पे दस्तरस रखते हैं, तीन जबानों में शायरी करते हैं, और इनके कॉलम्स और इनके मजामीन और जो एक वेब्स जो एक वेबसाइट है हम सब उसके ये एडिटर इन चीफ हैं, तो आप लोग बहुत से लोग इनको जानते होंगे, इनकी तहरीरों से वाकिफ होंगे। अरीबा की जो फाइल की हुई खबरें हैं वो पाकिस्तान को आलमी मंजरनामे पे जिंदा रखती हैं, और रसूल बख्शी साहब हम सबके उस्ताद हैं। थोड़ा सा हम एक इस तफसील में ये जाने से पहले, तफसील का तो खैर वक्त नहीं है, कुछ 40 मिनट हैं गालिबन हमारे पास, लेकिन के जो मौजू है आज के इस नशिस्त का वो है क्या सोशल मीडिया यानी समाजी राब्ताकारी का जो एक सिलसिला है वो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, मेन स्ट्रीम सहाफत का नेमुल बदल है, क्या वो उसे रिप्लेस कर रहा है, क्या वो उसका मुतबादिल है, ये आज का सवाल है। और लेकिन ये कोई एक बिल्कुल तकनीकी सवाल नहीं है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक मीडियम किसी और मीडियम से बदल रहा है, बल्कि इसके बहुत गहरे समाजी और सियासी और जो एक फिक्री इर्तका होता है किसी भी मुआशरे का, उस पर इसके बड़े गहरे असरात हम मुरतब होते हुए देखते हैं। तो मैं पहला सवाल जरा नजरी नौयत का करूंगा, थ्योरेटिकल, और रसूल बख्श रईस साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए सबसे पहले मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि सर ये जो जरा समझाएं हमें कि दुनिया में हुआ क्या है, यानी एक जो सनतकारी का और सनतकारी के अहद का जो एक तस्वुर बेगानगी है, कार्ल मार्क्स के यहां से जो बात एलियनेशन का जो तस्वुर है, और उससे बात आगे बढ़ते बढ़ते उसके 100 बरस के बाद तकरीबन राइसमन के द लोनली क्राउड तक आती है, और फिर अब उसके भी मजीद 75 साल गुजर गए हैं, तो ये जरा थोड़ा सा इसका अगर हमें आप एक बैकग्राउंड बताएं कि दुनिया में हुआ क्या है, और बैक वक्त हम जैसे जैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं वैसे ही साथ साथ हम अकेले होते चले जा रहे हैं। खलीक बहुत मेहरबानी, और लालपुर लिटरेचर फेस्टिवल सोसाइटी का मैं मशकूर हूँ, और तमाम दोस्तों का कि मुझे आप लोगों ने इज्जत बख्शी और यहाँ मधु किया। जो बात हम कर रहे हैं यह बहुत पुरानी है, नई नहीं है। इब्तदा इस बात की सनती मुआशरे की तश्कील से है कि जब दौलत के पैदा करने के ज़राए और उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर तब्दीली आती है तो मुआशरा सिर्फ तब्दील नहीं होता, जो मुआशरे के अंदर इंसानों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं।
ये मार्क्स को उसकी फिक्र को, उसके तारीख के तजिए को, मुआशरे में तजादात को और उस इल्म को आप समझना चाहते हैं कि तरक्की तारीख में कैसे हुई, कैसे हो रही है और कैसे होगी और उससे हमारा मुआशरा कैसे बदलेगा। तो इब्तदा तो मेरे ख्याल में जो समाजी उलूम है सनती दौर के बाद के, उसका गहरा ताल्लुक मार्क्स की फिक्र से है कि उसने एक एक फिक्र के कुछ दरवाजे खोल दिए। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं सोशियोलॉजिस्ट की, राइजमैन और उसके साथ तीन चार और लोग थे, वो कोई मार्क्सी नजरियात के हामिल लोग नहीं थे। वो आम यूनिवर्सिटीज में अमेरिका में पढ़ाते थे, तो उनको ये ख्याल आया कि लोगों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत क्या है, कैसे सोचते हैं। तीन चार चीजों के बारे में हम सोचते हैं कि हमने क्या बनना है। एक, दौलत हमने कैसे हासिल करनी, दूसरा नाम कैसे पैदा करना है, तीसरी तगड़ो ये होती है कि आपने मुत्तकी और परहेजगार मजहब के हवाले से कैसे बनना है, या ये है कि आपने किस किस्म की अखलाकियात पे पैरा होके अपने आप को खुश रखना है और खुशगवार जिंदगी गुजारनी है। इसके अलावा तो कोई और कोई ऐसी अकदार नहीं जिनका कि हम ताकुब करते हों, जिनके पीछे दौड़ते हों। तो कैसे संती मुआशरे में फिर ये एक एक नई सोच उसने क्या दी कि अगर मैं समाजियात के अलूम में एक बेस्ट सेलर की बात करूं, ये 1954 में किताब आई थी लोनली क्राउड, जब मैंने लास्ट टाइम खरीदी थी मेरे ख्याल में 70s में खरीदी थी जब मैं पढ़ता था, 1.4 मिलियन कॉपीज आज तक बिक चुकी हैं। ये आम किताब नहीं है जिसका मैं हवाला दे रहा हूं। उसने बात क्या की है, बात यह किया है कि हम दूसरों के ख्यालात से और दूसरों के तर्ज जिंदगी से कैसे मुतासर होने लगे। ये जो चार पांच चीजों की प्रसूत बताई है कि हम उनके पीछे दौड़ते हैं, तो यह है कि फिर इनमें से किस चीज का इंतखाब हम खुद करते हैं, यह बात अंदर से नहीं आ रही, ये हमारे अंदर रूह से, हमारे अपनी फिक्र से नहीं, बल्कि किसी और के नजरियात तर्ज जिंदगी से मुतासर हो रही है कि हमारा जिस्म कैसे होना चाहिए, कि खूबसूरती का मेयार क्या होना चाहिए, लिबास कैसे पहनना चाहिए, हमारा तर्ज जिंदगी कैसा होना चाहिए, ये बात अंदर से नहीं हो रही, ये बाहर से हो रही है। अगर बाहर से हो रही है तो इसका मतलब यह है कि हम किस हद तक आजाद हैं, हमारी तो आजादी खत्म हो गई। कि अगर मैं ये सोच के फैसला कर रहा हूं अपनी जिंदगी में कि ये खूबसूरती का रोल मॉडल ये है, दौलत का मियार ये है, रिहायश मैंने फलां जगह पर रखनी है, गाड़ी ऐसी खरीद करनी है, आप बेशक इस किस्म की मटेरियल कंफर्ट्स हासिल कर ले, आजाद नहीं है जानी तौर, आपको मालूम ही नहीं है कि आप किसी की कैद में आ चुके हैं। ये बात आज क्यों दुरुस्त साबित होती है, वो ये बात कर रहा था। बात का असल यह है कि अपने आप से बेगानगी का सफर क्यों शुरू हुआ और कैसे हमें उस बेगानगी के बारे में इल्म तक नहीं है और यह सफर जारी है, तो उससे तो एक शौरी तौर पे ही पता जा सकता है कि आप अपनी कायनात अपने अंदर खुद बसाएं, किसी और की कायनातों या किसी और की बहिश्तों के पीछे ना दौड़े, अपनी बहिश्त आप कैसे पैदा कर सकते हैं। तो आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, मसले ये जो आपके पास ये है इसके हम कैदी हो चुके हैं। कैसे कैदी हो चुके हैं कि पिछले दो तीन साल में एक सर्वे हुआ सोशल मीडिया का, 1.8 बिलियन ट्वीट्स की स्टडी हुई,
अब ये ट्वीट्स जो हैं, जो आते हैं, ये ट्वीट्स आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक बाकियों की बात नहीं कर रहे, उससे 3,500 के करीब मौजूदात बने जो जिनके ऊपर मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हुई कि अब सहाफी और मीडिया कहां से खबर ले रहा है, ट्वीट से ले रहा है, यहां से ले रहा है। एक तरफ से आप देखते हैं कि ये आजादी है कि मेरे गांव में बैठा हुआ एक बंदा एक चैनल चला रहा है और वो चैनल है यूट्यूब का चैनल, बाकी चल रहे हैं लाखों की तादाद में चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो बाकी दुनिया में आप शामिल कर ले मिलियंस में इस किस्म के लोग, आप समझ रहे हैं कि लोगों को आवाज मिली है, लोग आजाद हो गए, दुरुस्त है, लेकिन सच्चाई कहां गई, हकीकत कहां गई, वो अदराक कहां गया, वो तंजीम कहां गई, वो निजाम कहां गया। तो एक हम ऐसे माशरे में दाखिल हो रहे हैं कि जहां के एलियनेशन पैदा होगी। मैं अक्सर देखता हूं कि चार लोग बैठे हुए हैं आपस में बात नहीं कर रहे, सब लोग यहां पे नजर गड़े हुए यूं देख रहे हैं। मैंने एक आखिरी बात करके अपनी बात को यहां खत्म करता हूं कि सड़क पे जा रहा था तो दूर देखा कि बेड़ों के साथ बंदा जा रहा है और साथ टेलीफोन, मैंने गाड़ी बंद की, वहां उसके पास दौड़ के पहुंचा, मैं कहा आपको क्या जरूरत है इस टेलीफोन को अपने साथ रखने की, आप तो भेड़े चढ़ाते हैं। तो उसने अपनी साइकी जबान में कहा कि भाईजान मैं कल नहीं जींदा, कि आई डोंट गेट अलोन, मुझे तन्हाई नहीं होती। अब मैं समझता हूं कि अगर ये ख्याल है ये तो तन्हा होने की तन्हाई की इंतहाई सूरत है, कि आप इंसानों से बराह रास्त बात नहीं करते, आप इसके जरिए रब्ता रखते हैं। तो वो एक नया मुआशरा तरतीब हो रहा है जी, जिससे मुझे जरा थोड़ा सा खौफ आता है, ज्यादा उम्मीद पैदा नहीं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक एक बैकग्राउंड और एक बल्कि एक बैकड्रॉप क्रिएट कर दिया। अरिबा मैं अगर आपकी तरफ आऊं तो फिर वही, चूंकि आप बुनियादी तौर पर अखबार नवीस हैं, सहाफी हैं और एक न्यूज एजेंसी में काम करती हैं, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के किस तरह से तमाम लोगों को प्रोपेगेंडा के जरिए एक बात पर राग़िब किया जाए, चोम्स्की की का जो पूरा थीसिस है, तो वो सोशल मीडिया के दौर से पहले का है, जहां तक यू नो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। क्या आपको ये महसूस होता है डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अब वो एक जाली किस्म का एक इत्तेफाक पैदा कर देना किसी ख्याल के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर देना, सोशल मीडिया के आने के बाद ज्यादा तेज और ज्यादा आसान नहीं हो गया जो मुक्तदर तबकात हैं, जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए, और उसमें सहाफत कहां रह गई है इस पूरे दौर में? यानी 1.8 बिलियन ट्वीट्स और तमाम जो अखबार हैं, पाकिस्तान को तो रहने दें, जो आलमी अखबार हैं, जो ब्रॉडशीट्स थे वो टैबलॉइड हो गए, जो टैबलॉइड थे वो ऑनलाइन चले गए, तो उनके पास कितनी स्पेस है सच्ची खबर को लोगों तक पहुंचाने की? सो थैंक यू सो मच, और सबसे पहले तो आई लाइक टू से थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर हैविंग मी हियर, इट्स माय फर्स्ट टाइम फैसलाबाद में एंड द हॉस्पिटैलिटी इज बीन अमेजिंग, सो थैंक यू वेरी मच। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, आई एम गोना स्टार्ट विद एन एनेक्डोट जो मेरे घर में मैंने खुद वो किया है। माई डैड इज इन द 60s, रिटायर हो गया, वो हिज प्राइम सोर्स ऑफ न्यूज इज टॉक शोज एंड हिज प्राइम सोर्स ऑफ न्यूज इज हिज फोन। मैं घर में बेकार हूँ, वो खबरें वहां से लेके आते हैं। तो अ फ्यू डेज अगो ही वॉज वॉचिंग अ वीडियो और मैंने उनसे पूछा पापा क्या देख रहे हैं आप, तो बहुत गुस्से में उन्होंने मुझे जवाब दिया फेक न्यूज। तो I started to laugh, and the reason he said fake news was because वो जब भी कोई मुझे चीज बताते हैं कि देखो ये हो रहा है या वो हो रहा है, my immediate response is this is fake, ये fabricated है, ये exaggerated है, मतलब fact check foreign instantly हो जाता है। So what I'm trying to say is in today's day and age, when you see the volume of tweets going out, when you see the volume of channels, the number of social media accounts, private citizen journalism, the amount of noise coming out is extremely,
I mean, it's been multiplied by magnitudes jitna hame pehle nahi tha. The wavelengths of information that we're getting, usko disseminate karna, usme decide karna what is factual, what is not. I mean, it is much easier to start a trend of fake news or fabricated news in today's day and age, because if you repeat something, you know, often enough, you start to believe it. So there is that. But that is where, I mean, I'm not against social media. I'm an avid user of social media. Before I became a journalist, while I became a journalist, I believe that it's helped push me as a journalist as well. Lekin, I personally feel that while social media and that form of data dissemination exists, journalists have a greater responsibility. Because you see that a common person has that story at the same time जब एक जर्नलिस्ट को मिल रही है, लाइक फॉर इंस्टेंस एक गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट, सबको एक साथ मिल रही है. अब उसको वेरीफाई करना, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज वेयर ब्लू टिक्स आर नो लॉन्गर द सेम एज बिफोर और समथिंग ऑफ द सॉर्ट. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अ फ्यू डेज अगो इन रमजान, बेसिकली IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स हो रही थी, एंड इन फैक्ट देयर इज अ वीडियो दैट अली खजर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द IMF MD एंड समवन शेयर द वीडियो ऑन ट्विटर. एंड वो वीडियो शेयर हुई, उस पर यह था कि पाकिस्तान विल नॉट गो द सेम वे एज श्रीलंका, इफ आई एम करेक्ट. एंड इट वॉज आई थिंक 2 AM एट नाइट, एंड मैंने सोचा कि यू नो दिस इज न्यूज. सो द फर्स्ट थिंग वी डिड वॉज कि हमने वो सोशल मीडिया कि ट्वीट से वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं उठाया. वी वेंट ऑन द IMF वेबसाइट, वी फाउंड द वीडियो फ्रॉम देयर एंड वेरीफाइड, इवन दो आई वाज श्योर कि वो वीडियो फैब्रिकेटेड नहीं है, बट दैट्स जस्ट द एक्स्ट्रा स्टेप दैट ए जर्नलिस्ट हैज टू डू, दैट समवन हु इज अ सिटीजन जर्नलिस्ट डज नॉट हैव टू डू. तो या व्हाइल इट इज ईजियर टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाइल इट इज ईजियर टू पैंडर टू अ पॉइंट, टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन और टू क्रिएट प्रोपेगेंडा, it makes it imperative that the media plays a bigger role. And I will also say this, international media cannot do the same thing that local media can. Hamari local media pe zyada zimmedari hai, aur wo isliye because again, when you've got international media, you've got a lot of data coming in from around the world. So what is the story, uski bar thodi different hoti hai. Local media ke liye bar thoda low hota hai, and that is great. So that is where local media needs to step up, get our good stories out, get our bad stories out, get our stories out factually correct. And I will say another thing, social media aside, our mainstream media also needs to understand that propaganda is something that they can also spread. A few days ago, the State Bank Deputy Director said something about 500,000 rupees being safe and insured in banks. Within an hour or so, TV channels pe jo hai na bilkul sensationalize karke bataya ja raha tha. They had to correct it, they had to give out statements saying no, your money is safe. That was very reckless. Usse kya hota hai, aapke bank runs shuru ho jate hain, aapki economy ek din ke andar baith sakti hai. So it's not just social media, it is media in general. When you have information and the dissemination of information in your hands, you have a very strong responsibility. Bahut shukriya Wajahat sahab, ye sari guftugu aapke aap tak pahunchi hai aur aapse main ye samajhna chahunga jo maine bunyadi sawal Dr. Rais se kiya tha ke ये मामला जो है, जो इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया में, यानी 21वीं सदी की का पहला जो रुबा है वो खत्म हो रहा है, और सहाफत को, छपे हुए अखबार को कई सौ बरस हो गए, उसके बाद टेलीविजन को भी कोई 100 साल हो गए, 1920s में पहला टेलीविजन आ गया था, और फिल्म को भी कोई 125 साल हो गए, और अब जो सोशल मीडिया है तो ये मामला जो है ये कोई नई बात तो नहीं है. 125 साल पहले तो फिल्म नहीं होती थी, अखबार से पहले कोई और तरीका था लोगों तक खबरों की तरसील का. जो सूरत हाल है तो, और आप भी शिफ्ट हुए हैं, यानी आप अखबारात में अब भी लिखते हैं, जो ब्रॉडशीट अखबार है उसमें भी आप लिखते हैं, फिर आपने उर्दू की बिल्कुल एक इब्तदाई, यानी जब ये नया जमाना न्यूज पोर्टल्स का शुरू हुआ, आपने वेबसाइट भी शुरू की. इस पूरे सफर में मसला जो है
वो बुनियादी मवाद और मतन का है, यानी कंटेंट का है, या इबलाग के जरिए का है, मीडियम का है? आप इसे कैसे देखते हैं, यानी खतरा किसका ज्यादा है? खतरा तो खबर से है, ठीक है ना। मीडियम का तो ये है, आई होप के आई एम ऑडिबल। हारिस साहब, नई टेक्नोलॉजी के साथ लड़ा नहीं जाता, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और देखा यह जाता है कि वो वैल्यू फ्रेमवर्क क्या था जिसमें ये बात चल रही थी। देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट से हम किताब पे आए हैं, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लोगों ने कहा होगा कि ये आम लोगों तक किताब पहुंच गई, सारा सनती इनकलाब किताब से निकला, सारी रेफरमेशन किताब से निकली, छापाखाने से निकली, रेडियो आ गया, सरकारी था, हमारी सारी जवानी जो है वह सरकारी टेलीविजन और सरकारी रेडियो पे गुजरी है, चैनल्स आए हैं, सोशल मीडिया आया है। मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, आपने बहुत ही अच्छा किया, इससे पहले वाले एक सेशन में मैंने देखा कि आपने फरमाया कि गाजा के बच्चों के लिए एक मिनट के लिए खड़ा हुआ जाए। ऑफकोर्स इससे कौन डिनाय कर सकता है, लेकिन फरवरी 2022 से, बल्कि 21 से, 22 फरवरी 2021 से यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। जिस दिन से गाजा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, हमारे अखबार से यूक्रेन की खबर नहीं आ रही। मैं जानना चाहता, मैं इनकार नहीं कर रहा कि जो कुछ वहां हो रहा है फिलिस्तीन में और जो इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, लेकिन वहां जो टारगेट पॉपुलेशन है उसकी तादाद 24 लाख है, 2.4 मिलियन है। ये हमारे हमसाए में सिंकियांग में 10 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी बरसों से जी रहे हैं। कोई हमारा जो अखबार है या हमारा जो सियासी रहनुमा सिर्फ ये कह के कि हमारे सफीर ने बताया है कि वहां पे सब अच्छा है, तो सब अच्छा हो गया। मेरी राय में मीडियम कुछ भी हो, उसके पीछे जो सहाफी है वो मैटर करता है कि वो किस किस खबर को अवाम तक लेके आना चाहता है। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात है तो हमने बहुत मेहनत करके देख ली है, 40 वर्ष में हमने 1978 से ऑफिशियली इस मुल्क में दो नस्लें बंजर की हैं, जिनके पास, मैं दावे से अर्ज करता हूं कि छोड़ दीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, आप फैसलाबाद के निहायत महजब बच्चों से या लाहौर की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए और पंजाबी बच्चों से एट रैंडम 5 बच्चों से कहो बेटा हमें बलूचिस्तान के 5 या 6 जिला के नाम बता दो, उनसे सिर्फ पूछ लीजिए कि कश्मीर सिंध में है या कहीं और है। जियोग्राफी, अखबार में आप मईशत पे मजमून लिखे हजूर कोई नहीं पढ़ता। मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा है कि जब तक आपकी स्टेटमेंट वन लाइनर नहीं है और उसमें किसी ना किसी को गाली या नेगेटिव कमेंट नहीं किया गया कोई इसको नहीं देखता। तो वो हमने मेरी राय में ये अहम बात नहीं है, कह दिया एक भाई ने कि सोशल मीडिया गटर है, कहा ही था ना 10 वर्ष पहले कहा था, फिर उसी सोशल मीडिया पे उनके हक में आवाज उठी जब वो 9 महीने के लिए जेल गए। होगा ये कि तमाम मीडिया की तरह जो पहले से गुजरे हैं उन्हीं की तरह यहां पे भी कुछ ताकतवर लोग होंगे जो एजेंडा सेट कर रहे होंगे, जो इधर वो जो आता है कि इस वक्त फलां मौजू पे इतने लोग कमेंट कर रहे हैं ट्विटर पे, वो बता रहे होंगे, उसमें भी गालियां लिखी हुई होंगी। मैंने तो, मैं आपसे अर्ज करूं, हर स्क्रीक मैंने कॉमेंट देखना बंद कर दिए, मुझे लगता है मैं एक नेगेटिव इंसान बन जाऊंगा,
जितनी जितनी तल्खी और जितनी गाली और दुश्नाम उसमें पाया जाता है, उसके बाद एक बंदा अपनी नॉर्मल जो ज़हनी कैफियत है उससे महरूम हो जाता है। मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया जो है वो रिप्लेस करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। और आने वाला जमाना जो है वो और इससे भी आगे का आएगा। जो बात बाकी बचती है वो ये है कि हमारा निसाब, हमारा सोशल पॉलिटिकल डिस्कोर्स, हमारा जो मकालमा है वो हमें एक दूसरे के बारे में क्या शऊर दे रहा है, क्या कदरें दे रहा है और हमें कितना बाखबर बना रहा है। बेखबर बनाने वाला अखबार में भी बेखबर बनाता था, वीलॉग में भी बेखबर बना रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं। इस सोशल मीडिया के साथ एक इसको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्या कहेंगे उर्दू में, जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो पैदा होता है, जिसमें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए आपने जो बात की ना, हम चूंकि सहाफत और उसकी बात कर रहे हैं तो वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, उससे इत्तफाक करता हूं कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसे रिप्लेस नहीं करेगा, और शक्लें बदलती हैं उस पर हम सबकी एक ही राय है। लेकिन ये जब गैजेट का इन्होंने जिक्र किया, ये एक गैजेट है, इस तरह के और बहुत से गैजेट्स हैं, ये तो बहुत साइज में बहुत बड़ा है, एक छोटा सा कान में एक पॉड भी लग जाता है और आपको सारी दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के पॉडकास्ट सुन के आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं बगैर किसी किताब पढ़े हुए, बगैर किसी कोई किसी रिफ्लेक्शन के। तो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो एक आम सोशल मीडिया यूजर में पैदा होता है वो तो कहीं मुख्तलिफ है अखबार और किताब पढ़ने वाले के, उस यानी वो ह्यूमिलिटी खत्म उसने कर दी है एक तरह से, उसे आप कैसे देखते हैं, और वो क्या एक फेज है इंसानी तारीख में, इंसानी मुआशरे में, या शायद मजीद अबतरी और मजीद इंतशार पैदा होगा? देखिए लगता तो ऐसा ही है कि हमें आज़ादी है कि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए जो चीज़ देखना चाहे देख सकते हैं, जो खबर पढ़ना चाहे खबर पढ़ सकते हैं, जो किताब और मालूमात हमें चाहिए ढूंढना चाहे तलाश करना चाहे वो हमें फौरन से पेशतर हमें मिल जाती है। एक तो ये तसव्वुर है, लेकिन ये इतना बात आसान नहीं, बात ज़रा गहरी है। वो ये है कि उस बुनियाद को आप देखें, बुनियाद यह है कि इस वक्त जो गालिब अफकार हैं सारी दुनिया में, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर, आप 5-6 गालिब अफकार को देख लें वो कौन से हैं और उन अफकार के पीछे, उन रुझानात के पीछे कौन खड़ा है, तो बात आपको समझ आ जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया वहां से निकाल के किसी और दुनिया की आज़ादियों में ले जा रहा है, वो हरगिज नहीं है। वो एक ऐसा एक सकाफती हमला है और एक ऐसा फिक्री हमला है और एक ऐसा एक फिक्री कत्लेआम भी है हमारी अपनी तमाम मकामी सोचों का कि जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं है। उसके लिए तो आपको मेरे नफ्सियात के साथ साथ मेरे समाजियात का होना बड़ा ज़रूरी है, उन रवैयों के जो हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं और उनका ताल्लुक जोड़ने के लिए किसी इल्म की ज़रूरत है, किसी तरीक़ेकार की ज़रूरत है। वो मगरब में होना शुरू हुए हैं और जिसकी इब्तिदा मैंने उस किताब से की, लोनली क्राउड से की। हम वाकई हम तनहा हो रहे हैं। तनहा होना ये नहीं है कि हमारे पास कोई सोशल मीडिया एक्सेसिबल नहीं है, ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो रहा है, एक दूसरे से मिलना ख़त्म हो रहा है, मुआशरत या कम्युनिटी का जो ताल्लुक है वो ख़त्म हो रहा है। आप देखें मगरब में जो अर्बनाइजेशन है उसे किस किस्म की ज़िंदगी पैदा हुई है, वो एक मटीरियल कंडीशंस तब्दील हुई तो उससे मुआशरत तब्दील हुई। अगर आप ये समझते हैं कि चूंकि आप फैसलाबाद में बैठे हैं या लाहौर या मुल्तान में बैठे हुए हैं और अगर आप सनती और अर्बनाइज मुआशरा पैदा करते हैं तो वो वैसे असरात पैदा नहीं होंगे, ये आपकी गलत फहमी है कि कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं हो सकती। कोई एक जो जबर है साइंस और टेक्नोलॉजी का, मईशत का,
और मटेरियल कंडीशंस का, वो तमाम मजाहिब तमाम तहजीबों और तमाम सकाफतों पे है। उससे सोचने की बात यह है कि मगरब में तो सोच यह है कि आपने ऐसी जो इंफॉर्मेशन है, ऐसी तालीम है, ऐसी मईशत है, ऐसी मुआशत में उसमें रहते हुए आप आज़ादी कैसे हासिल कर सकते हैं, ये एक अलहदा सोच है जिसकी तरफ सोचने की ज़रूरत है। जी शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरीबा में दूसरा आपसे सवाल वो ये कि ये जो आप इसे कैसे देखती हैं वैसे तो वर्किंग जर्नलिस्ट, कि ये जो सिटीजन जर्नलिस्ट का तस्वुर है जो कि सोशल मीडिया के आने के बाद ही जिसने फरोख पाया है, तो ये ओवर डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है? मतलब एक सिटीजन जर्नलिस्ट, एक कोई भी फर्द, कोई भी खातून ये ऐलान कर दें कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया है और फिर उसे टैम्पर करें, डॉक्टर करें, जिस तरह से भी करें और उसे वायरल कर दें, क्योंकि अभी जफर मिराज साहब कह रहे थे कि अब वीडियोस लीक नहीं होती, वायरल होती हैं। तो अगर वो वायरल हो जाए एक चीज, उसके बाद आप एक फैक्ट चेक लगाएं जियो न्यूज की तरह जो मैं आजकल देखता हूं और थोड़ी थोड़ी देर में आता है, और वो फैक्ट चेक में अब इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आधे घंटे में पता चल जाता है, लेकिन जो चीज वायरल हो गई उसके लिए तो आधा घंटा पूरी सदी है, वो तो हो गई। तो उसे आप कैसे देखती हैं कि क्या ये इख्तिसास होना चाहिए जो लोग जरा अबलाग से, मीडिया से जो लोग वाबस्ता हैं, ये उन तक महदूद रहने चाहिए खबरों की तरसील, या जो पहले सोर्स था वो अब जर्नलिस्ट है, तो उसका क्या आप देखती कैसे हैं उसे, और उसके असरात क्या मुरतब हुए हैं आपकी सहाफत पे? सो टैम्परिंग तो बाद में आती है। आई जस्ट फील कि जैसे अ फ्यू ईयर्स अगो हमें किसी की वीडियो बनाने से पहले हम सोचते थे कि हम उसकी, मतलब रैंडमली हम वीडियो बना रहे हैं, कोई हमारे वीडियो में आ रहेगा, हमारे कोई पिक्चर में आ रहा है, तो इज दैट ओके, इज दैट नॉट ओके। इन टुडेज़ डे एंड एज आप कहीं भी जाओ, आपके साथ जरा सा भी कुछ बुरा होने लग जाए, द मिनट समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, एक कोई बंदा अपना फोन निकाल के रिपोर्ट करने लग जाता है, कुछ भी हो रहा है। तो वन फॉर्म ऑफ दिस इज समथिंग दैट आई एम स्ट्रगलिंग विथ टू अंडरस्टैंड व्हेदर दिस इज गुड और दिस इज बैड, बिकॉज एक तरह से तो ये प्राइमरी रिपोर्टिंग हो रही है कि आपको एक लाइव चीज नजर आ रही है, बट दूसरी तरफ लेट्स से अज्यूमिंग देयर इज नो टैम्परिंग, बट दूसरी तरफ आई फील दैट देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंट विथ रिगार्ड्स टू आप किसकी पिक्चर्स ले रहे हैं, किसकी वीडियोस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो दिस एंटाइटलमेंट इज वेल इज समथिंग के आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट। इन सम केसेस आई एग्री के दिस इज ग्रेट, एंड इन सम केसेस आई एग्री के इट्स यूज्ड टू फार। तो इसकी आई गेस एक्सटेंट पे एक है, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट्स समवेयर इन द मिडल। एज फार एज टैम्परिंग एंड थिंग्स ऑफ द सॉर्ट गो, इन द पास्ट वट वुड हैपन इज अगर किसी के पास खबर होती थी, दे वुड रीच आउट टू अ जर्नलिस्ट और उनको बताते थे कि मेरे पास ये खबर है, आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। अब वो बंदा खुद ही सोर्स बन गया है। यू ऑल यू नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन, और मजे की बात है हमारे मुल्क में वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट टैरिफ्स इन द वर्ल्ड है। पाकिस्तान हैज वन ऑफ द चीपेस्ट स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन इज ग्रोइंग रैपिडली, smartphone penetration is growing rapidly, and not just Pakistan but around the world as well. So to become a source of information, all you need is a phone and an internet connection. Now aapke paas wo ho gaya, aapne wo baat laga di, and again like you said, aadhe ghanta kya, 10-15 minute ke andar it's a lifetime. 10-15 minute ke andar to news cycle hi badal jati hai, and by the time koi cheez fact check ho, maybe people don't care anymore. और मोर ऑफन यही होता है कि जब कोई चीज फैक्ट चेक होती है तो वो जो पहली वाली खबर होती है वो इतनी वायरल हो चुकी होती है कि यू नो इट्स सो डाइल्यूटेड बाय द टाइम इट्स फैक्ट चेक, नो वन केयर्स। तो अगेन आई डोंट वांट टू टेक अवे एनीवनस लिबर्टी टू रिपोर्टिंग, इफ समवन वांट्स टू बी अ सिटीजन जर्नलिस्ट दैट इज अप टू देम, बट आई अगेन वो यही है कि आपको अपने आप को खुद देखना है, आपको ये देखना है कि आप खुद क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ दिस। मोरल करप्शन हो रही है, आप लोगों को स्वे कर रहे हैं, आप अननेसेसरी लोगों को एंगर कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बट देन अगेन इन टुडेज़ डे एंड एज जब आप देखते हैं कि मीडिया भी सेंसर हो रही है, लोकल मीडिया पे व्हेन देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन नॉट मीम सम पॉलिटिशियंस, व्हेन देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन नॉट शेयर न्यूज अबाउट सम पीपल और सम इवेंट्स,
Like for instance, there's a common joke about one particular channel that shows agriculture whenever something goes wrong in the country. So when ऐसी चीजें हो रही हो, तो मैं समझती हूँ उस time पे citizen journalism is absolutely important, especially जब आपकी media जो है वो free and fair नहीं चल पा रही है. And that again is because of a lot of reasons. I don't want to be critical about them. It's for a lot of reasons. Some out of respect for their lives. Some out of respect for money, whatever it is, सबकी अपनी मजबूरियां हैं. पाकिस्तानी मीडिया इस स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाई है कि वो इन शैम्बल से निकल सके बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट साइकिल दैट वी बीन गोइंग थ्रू. सो वाइल सिटीजन जर्नलिज्म हैज यू नो द गुड एंड द बैड, आई वुड स्टिल से इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन अ टाइम व्हेन सेंसरशिप डज एग्जिस्ट. बट अगेन एज अ कंज्यूमर, हम जैसे शॉपिंग करते हैं, हम अपने कपड़े लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, तो वी लुक एट द क्वालिटी. तो वी नीड टू रियलाइज के द पीपल दैट वी फॉलो, उनकी क्वालिटी होना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पीपल दैट वी लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग, टू लिसनिंग, रीडिंग, उनकी बातें भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो कौन है. थैंक यू जी. वजाहत, आपसे इस नशिस्त का आखिरी सवाल वो ये है कि इसका लोगों की तंजीमों, चूंकि आप वाबस्ता रहे, लोगों की यानी उनकी तंजीमों और उनकी तहरीकों पे क्या असर पड़ा है? चूंकि एक आप ये देखिए कि जो पहला मुझे जो याद है वो ये कि जो पहला बड़ा मोबिलाइजेशन सारी दुनिया में हुआ थ्रू सोशल मीडिया वो इराक वॉर के खिलाफ था, जिसमें एक दिन ऐसा था जिसमें 9 मगरबी दारुल हुकूमतों में और 10वां टोक्यो शहर था, उसमें कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोग बाहर निकल आए. और जैसा कि होता है और हमारी रवायत है कि उनमें से कोई माशाल्लाह मुसलमान मुल्क नहीं था, तो उस उन इराक के वो जो 1.5 करोड़ लोग उस निकल आए, उसके बाद ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकले और पूरी जंग हो गई, सारा कुछ हो गया, वो सारा मोबिलाइजेशन सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था. पहली मिसाल. दूसरी मिसाल अब है और इस दौरान बहुत सारी मिसालें, लेकिन उसके असरात जो साहिबान इक्तदार हैं उन पे तो नहीं मुरतब होते. तो और एक डिस्कनेक्ट हमें नजर आता है बिटवीन पीपल गैदरिंग एंड पीपल यू नो चैंटिंग स्लोगन्स प्रोटेस्टिंग, लेकिन उसकी कोई पॉलिटिकल उसकी कोई असरात, कोई रिफ्लेक्शन, कोई बेहतरी नजर नहीं आती. तो सोशल मीडिया ने क्या ऐसा नहीं किया कि एक वेंट वेल्व का काम किया है जहां आपने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ ट्विटर और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ फेसबुक बना ली और उस पर भड़ास निकाल दी और बस वो काफी हो गया निकलने के अलावा? ये दो सवाल है. बीच की एक मंजिल आपसे ओवरलुक हो गई, अरब स्प्रिंग 2011-12 वाला आया. एक रात में 500 बंदा जो है वो मिस्र के इजिप्ट के एक चौक में मारा गया और 2000 साल लीबिया था, हमें बेवकूफ बनाया गया और कि जी तुर्की के लोगों ने ये कर दिया और ये कर दिया और ये कर दिया है. पता चला कि वहां 1.5 लाख बंदा जो है वो जेल में पड़ा हुआ है और जो इलेक्टेड बंदा था वो डिक्टेटर बन के बैठा हुआ है. और हम चूंकि अल्लाह के फजल से शादियां फर्स्ट कजन में करते हैं और पॉलिटिकल लीडर बाहर से लेके आते हैं, ये हमारा ये हमारी सारी की रवायत है. अब कोई महावीर मोहम्मद का नाम नहीं लेता. जितने बच्चे यहां बैठे हुए जिस चीज का नाम यासर मैं बता दूंगा, ये किस सन में पैदा हुआ था, नासर किस सन में पैदा हुआ था. तो दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी हमने नहीं बनाई. मुझे तो इस बात में तकलीफ है कि रेल जो है वो यूरोप में रेलेवेंट है, आज भी पोस्टल सर्विस रेलेवेंट है. हमने जो है वो उड़ा के रख दी है वो चीजें, इसलिए कि हमने आर्यतन मांगी थी, वो नई चीज आई पुरानी फेंकी और अगली उठा ली. शेर खान साहब को पता है, आपको शेर खान साहब वो भाई हैं जो मेरे साथ मेरी मदद करते हैं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती. 26 साल से वो बंदा किताबें पढ़ रहा था, पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ हर वक्त वो टिकटॉक देख रहा होता है. मैं फखर से कहा करता था कि एमए उर्दू एवरेज जो है पाकिस्तान का, उससे ज्यादा उर्दू लिटरेचर इसने पढ़ रखा है, उसने अब्दुल्ला हुसैन को पढ़ा हुआ है, इंतजार हुसैन साहब को पढ़ा हुआ है, लेकिन अब वो सारा वक्त हंसता रहता है. उसकी हंसी मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन वो टिकटॉक है,
वो टिकटॉक का मतलब है इट डजंट कैरी एनी पॉलिटिकल मैसेज और एनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। वो वैसे हम अखबार में भी कर रहे हैं, अखबार में भी एज ए टीचर मैंने जितनी दफे दाखिला लेते हुए मैंने पूछा कि आप मीडिया में क्यों आना चाहते हैं, पहला जुमला मीडिया इज पावर। वो पावर इस सेंस में नहीं कि ये लोगों को एम्पावर करता है कॉन्शियसली, वो इस सेंस में था जैसे थानेदार पावर होता है मीडिया। दूसरा मैं पूछता था किसको पढ़ते हैं, तो नाम आपको पता है किसका लेते थे, इनवेरिएबली मेहर बुखारी खातीन में से और हसन निसार और जावेद चौधरी। भाई 6 साल में एक बंदे ने मेरे सामने रजाली आपती का नाम नहीं लिया, राजी सलाउद्दीन का नाम नहीं लिया, किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि हम जो है ना वो आपका भी नहीं लिया। यकीन कीजिए हमारे तो अपने घर में मुझे तो नहीं कोई पढ़ता, इसलिए कि मुझे तो अपने घर वाले कहते हैं इतनी लोगों तो कौन देखता फिर डिक्शनरियां कौन रहता फिर छोड़ो तो। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं दोबारा कि इट इज नॉट द टेक्नोलॉजी दैट वी शुड डिस्कस इन इन दैट रिस्पेक्ट आई वुड अप्रिशिएट दैट वी जनरेट टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ बोरोइंग इट। जो मैटर कर रहा है हमारे यहाँ वो पोलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस, अरीबा शाहिद, वजाहत मसूद साहब। हमारे पास वक्त नहीं है वरना थोड़ा सा एक सवाल जवाब का सेशन कर लेते, लेकिन बिल्कुल उसके लिए वक्त नहीं है मुंतजमीन, हम वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड मुझे यकीन है कि इस किस्म की गुफ्तगू जारी रहेगी और जो हमारे यहाँ तीनों फाजिल पैनलिस्ट ने सवाल उठाए हैं वो आपको बेचैन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, हमारा आखिरी सेशन टेलीविजन ड्रामे के हवाले से है। पैनलिस्ट आ चुके हैं, मैं सबको एक एक करके दावत दूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब बहरोल सब्जवारी, अभी आपने एक सीरियल देखा काबली प्लो, उसके राइटर जफर मेराज, बीगुल साहिबा आप भी तशरीफ लाएं, बहुत अच्छी राइटर आज के प्लेज की। तो मुझसे कोई रह तो नहीं गया, हाँ सरमद सुल्तान खुसक, और इनसे गुफ्तगू के लिए शीबा आलम प्लीज। मुझे भी कहा गया है कि मैं इसका हिस्सा बनूं, गुफ्तगू मैं नहीं करूंगा सिर्फ मैं मदद करूंगा। बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह हमारा आखिरी सेशन इसी तरह आप लोगों की दिलचस्पी का बायस रहा है और हर साल की तरह हम अपना आखिरी सेशन शो बिजनेस के हवाले से, फिल्म के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से या ड्रामे के हवाले से करते हैं और मुझे मालूम है कि आप सब लोग उसके इंतजार में हैं और उस इंतजार में थे। तो अब ये जो पैनल है इसमें हमने कोशिश ये की कि इसमें मुख्तलिफ वक्तों के राइटर एक्टर्स मौजूद हो और उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो आपको हर तरह की गुफ्तगू इसमें मिलेगी।
मैं पहले फिरोज सब्जवारी से बात इसलिए करना चाहता हूं कि एक तो मैं बेतकल्लुफ हूं, उनसे दोस्त है मेरे, दूसरा उनका एक कदम माजी में है तो अगला कदम मुस्तकबिल में है। उनके उनकी औलाद अब आज के ड्रामों में उनकी जगह ले चुकी है, तो उनके पास दोनों जमाने हैं। तो बहरोज जरा अपने जमाने को और बहरोज की एक बात, सुबह बात हो रही थी खुदा की बस्ती की, तो खुदा की बस्ती में 14 साल के थे जब इन्होंने रोल किया था नौशामिया का। बड़ा अजीब लड़का होता है वो, घर से निकला हुआ और क्या करता है क्या नहीं करता। उससे पहले इनकी ट्रेनिंग रेडियो कराची से हुई, तो बहरहाल ये चाइल्ड स्टार के जमाने से पीटीवी के साथ है। तो बहरहाल आप अपना तजुर्बा और फिर अगली नस्ल अब कैसे। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बड़ा ऑनर मेरे लिए अपने असातदा के गिर्द बैठा हूं सरमत को छोड़ के। मेरा ताल्लुक रहा है पीटीवी से, मैं पीटीवी की प्रोडक्ट हूं और मेरा तुरा इम्तियाज है ये, क्योंकि मेरी मदर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान टेलीविजन है। मैंने पहले टेलीविजन किया, उसके बाद रेडियो किया, फिर थिएटर किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम पीटीवी। उस वक्त जो सिलसिला था जिससे हमने सीखा और जो अब तक हमारी गुत्थी में मौजूद है, टाइमिंग, डेडिकेशन और काम को समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। इस वक्त जो मेरे बेटे का सिलसिला है शहरोज का, वो भी माशाल्लाह काम कर रहा है और भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें बेसिक जो है वो नहीं है, ये मैं समझता। टाइम की पाबंदी नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और शोहरत ज्यादा चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर आप अपने काम से आपको शोहरत मिले तो वो बहुत उसका दवाम होता है, वो बहुत दूर तक चलती है। और बदकिस्मती से अब जो हमारा ड्रामा है टेलीविजन का, बहुत से चैनल है, 150 से ज्यादा चैनल है जिसमें एंटरटेनमेंट के तकरीबन 100 चैनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिखारी हैं उसमें, बीगुल साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं, भाईजान हमारे क्या बात है, पुलाव इन्होंने ऐसा पकाया कि छा गया। और जफर महराज साहब कोई कौन नहीं जानता इनको। अब हुआ यह है कि जो सुपरहिट सीरियल्स वो अब न्यूज़पेपर की शक्ल इख्तियार कर गए, सुबह आप उसको पढ़ते हैं और शाम तक वो शीशा साफ करने के लिए या कोई चीज ढकने के लिए काम आता है, दिस इज फॉर श्योर। और पहले जब जैसे खुदा की बस्ती को इस वक्त 50 बरस हो गए, आधी सदी गुजर गई, लोग अब भी मुझे नौशा के नाम से याद करते हैं, और ये फर्क हो गया है क्योंकि जाहिर है कमर्शलाइज हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कमर्शलाइज हो गया, हमारे फायदे में हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। मैंने 29 बरस कार डीलिंग की है, गाड़ियां बेचता था, पीटीवी में मैं बचपन से था, और 2000 से जब से डिफरेंट चैनल्स आए तो मेरे पास अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वक्त नहीं है, क्योंकि जो काम थोड़ा बहुत मुझे आता है इन लोगों ने सिखाया है मुझे। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जैसे ये हम लिटरेचर फेस्टिवल है, फैसलाबाद है, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। असल में हम बेसिक जो बुनियादें हैं वो लूज कर गए हम लोग, मैं ये समझता हूं, क्योंकि लिटरेचर का ताल्लुक जो है ना आपके बचपन से, आपके घर से, मैं ये समझता हूं आपके घर से शुरू होता है, आपके माँ बाप आपको तरबियत देते हैं कैसे बैठना है, बड़ों की इज्जत किस तरह करनी है, कैसे सिखाना है,
फिर उस बच्चे में समझ बूझ आती है उस हवाले से, फिर वो पढ़ता है। अब तो पढ़ने का तो सिलसिला ही खत्म हो गया, जैसा कि अभी हम देख रहे थे इसने हमें फारिग कर दिया। तो फिर भी हमारी रोटी रोजी है, हम अभी भी ये काम कर रहे हैं और हम बहुत फख्र से कह सकते हैं कि ड्रामा पाकिस्तान का ड्रामा वो तकरीबन बहुत से जो अगर आप डायरेक्ट हमारा इंडिया से कंपटीशन है, इंडिया का ड्रामा फेक है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फिल्म बेस है, फैंटेसी है उसमें। जो काबली पुलाव था या हमारे ड्रामे वो रियलिटी बेस है। खुदा की बस्ती, वारिस, आप कितने नाम लें, वो रियलिटी बेस थे, वो लगता था कि हैपनिंग है। तो एज एन एक्टर भी मैं ये समझता हूं कि आप कोई भी रोल करते हैं तो ऑडियंस को लगे कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ है, तो वो कामयाब होता है, मैं ये समझता हूँ। हमारे साथ बहुत अच्छे राइटर्स मौजूद हैं। मैं आपसे एक सवाल सबसे ही करना चाहूंगी और आप सबका टेक लेना चाहूंगी उस पर। मेरी जब जफर मेराज साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ड्रामे पे क्या बात करेंगे, ना हम सुधरते ना देखने वाले सुधरते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे पास एक एंटरटेनमेंट मौजूद है और हमें आप देखिए कि कल से हम जिन मौजूदात पर बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस वक्त हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं और वो लिटरेचर के हवाले से जितनी बातें सुन रहे हैं या लिटरेचर से हट कर भी बहुत से मौजूदात पर उन्होंने बातें सुनी, आपको लगता है कि ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो किस किस्म का, उनके लिए ड्रामे में क्या इम्कान जो है उसमें तब्दीली लाई जा सकती है, या ये क्या चीज देखना पसंद करेंगे जो हमने हम इतना एजुकेट जब एक लोगों को कर देते हैं तो उनको क्या अच्छा लगता है? इसी में बिल्कुल मैं ऐड करूंगा, दोनों को मिला के जवाब दें कि क्या इन सबकी नुमाइंदगी मौजूद है आज के ड्रामे में? आप में से सबसे बात बारी बारी नहीं, मैं शर्मा से भी पूछूंगी। मैं बिगुल की जगह मैं बोल दूंगा। असल में बिगुल ने मुझसे कहा था कि थोड़ा बोलना। मैं एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फैसलाबाद में मैं क्वेटा से आके बैठा हूं और इस तरह की बैठकों से जाहिर असर पड़ता है। जब ये टाइटल जो हमें आज जिसके बैनर के नीचे हम बैठे हैं कि नए ड्रामे के क्या इम्कानात हैं, तो हमारे एक दोस्त हैं राइटर फसी बारी खान, उसने लिखा कि ड्रामे के क्या नए एहकामात हैं। सही। तो ड्रामा इम्कानात से ज़्यादा एहकामात की नज़र है, और फिर मुझे इम्कानात से भी इख्तिलाफ है कि इम्कान का मतलब तो ऐसे बेबसी है, कुछ उम्मीद है, कुछ किसी और की मोहताजी है कि कोई इम्कान है, किसी दरवाजे पे खड़े हैं किसी चौकट पे कि यार कब खुलेगा, उसमें से क्या नजर आता है। तो अब आप मुझे अगर ड्रामे का स्टेक होल्डर समझते हैं तो मैं क्या इम्कान पे बात करूं, या आप मुझे स्टेक होल्डर नहीं समझते हैं तो फिर मार्केटिंग वाले को बिठा लेते हैं कि वो इम्कान पे बात करे कि अब आपने क्या करना है। अब मार्केटिंग वाला जो है वो क्या करता है, मार्केटिंग वाला ये करता है कि जितनी मेरी समझ बूझ है वो असल में जैसे मेरे दांतों में हल्की हल्की जो सी जर्दी है इसकी वजह यह है कि क्वेटा में फ्लोराइड की कमी है, लेकिन वो मुझे कैल्शियम का टूथपेस्ट बेचता है। वैसे थर में कुछ स्किन का प्रॉब्लम है तो वो उसको रंग गोरा करने वाली क्रीम बेचता है, इसलिए कि वो थर से जाके बात नहीं करता, वो अपने ऑफिस से बैठ के उसको बेचता है। सही। वो एक थैला उठा के जाता है और एक दुकानदार के पास उसको कन्वेंस करता है कि ये रंग गोरा करने वाली क्रीम है और ऐसा है। तो मार्केटिंग का काम तो ये होता है।
और चूंकि ड्रामा मार्केटिंग के जेरे असर है तो उससे ऐसा होता है कि जो बंदा जिसने इन मौजूआत को या उस असलूब को ड्रामे की जीनत बनाना है वो न थर में बैठा है, ना क्वेटा में बैठा है, ना फैसलाबाद में बैठा है, ना इन सारे शहरों में जहां जहां से, वो वहां से ऑर्डर नहीं दे रहा, वो यहां से इम्पोज किया गया क्रीम टूथपेस्ट वगैरह लगा रहा है। ये मार्केटिंग का उसूल है। अब ड्रामा जो है, कहानी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप इंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे हैं वो है, लेकिन वो इंटरटेनमेंट नहीं होता। कहानी एक बहुत बड़ा औजार है जिससे दिमागों के पेच खोले बंद किए जाते हैं जी। ये औजार जिसके हाथ में आता है, बादशाह हो, फकीर हो, आम आदमी हो, जो भी हो, जो जो टूल जिसके पास पावर है, वो अपनी मर्जी का दिमाग खोलता है और बंद करता है। ये है कहानी का किरदार। मुझे हैरत होती है उस शख्स के ऊपर जो सारा दिन कमाता है, बेचारा ला के बच्चे को अच्छा खिलाता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, उसकी बहुत अच्छी निगहदाश्त भी करता है, लेकिन उसको कहानी कोई और सुना रहा है। सही। अगर आपके बच्चे को कहानी कोई अपनी सुना रहा है और रोटी आप खिला रहे हैं तो आप तो फारिग हैं। तो इस सोसाइटी में इससे बड़ा सवाल कोई नहीं है। थोड़ा सा एक दो बात और करना चाह रहा हूं कि अभी हमारे असातिज़ा बैठे हुए थे और उन्होंने एक मोबाइल निकाला और उन्होंने कहा कि अब इसके कैदी हो गए। मैं कहता हूं कैदी तो है नहीं ना, मीडियम है, आपके पास है ना, ट्रांसमिशन भी आपके पास आ गई, प्रोड्यूसर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं, नैरेटिव भी आपके पास है, सब कुछ है। आखिर इस कहानी का स्टेक होल्डर अगर हम किसी को बनाते हैं, हम इम्कानात की भी बात करते हैं, तो उस जिसके पास ये मोबाइल है उसको किसी जगह पे तो लाके खड़ा करेंगे ना। इससे पहले बात खबर की हो रही थी तो खबर तो कहीं से भी आपने लगा के दे दी, और खबर का काम तो कोई तोड़ने जोड़ने वाला किस्सा तो है नहीं ना, क्योंकि खबर एकदम से एक जरिया है जो पहुंच गया, उसने नफरत बना दी, मोहब्बत बना दी, एंग्जायटी नफरत जो भी पैदा करती, दैट्स इट। अदब का काम तो ये नहीं है ना, अदब का एक ही काम है, ठीक है ना, उसका काम है रवैये बनाना और रवैये समझाना, नए रवैयों की तख्लीक करना। और ये काम इतना जल्दी कहां होता है यार कि वो बस एक रील से हो जाए, वो इतना आहिस्ता काम करता है कि उसको बाकी खबर तोड़ रहे होते हैं। तो उस मोबाइल वाले बच्चे को किसी जगह पे तो ले जाके खड़ा करना है कि तुमने यहां से देखना है। वो जगह कौन सी है भाई, वो कोई मजहबी बुनियाद पे उसको खड़ा करें, उसको कौन से इखलाकी बुनियादों पे खड़ा करें, उसको किस तहजीबी बुनियाद पे खड़ा करें, उसको जगह तो देनी है ना कि भाई यहां से बैठ के तुमने बात करनी है। वो जगह मेरे नजदीक अभी फिलहाल तो एक कब्रिस्तान है, उसमें 5-6 कब्रें हैं, एक पंजाबी की कब्र है, एक बलोच की कब्र है, एक सिंधी की कब्र है, एक पठान की कब्र है, एक सरायकी की कब्र है। उस कब्र के ऊपर खड़ा होकर वो एक सिंथेटिक किस्म की कहानी आपको सुना रहा है। वो जब तक उसमें से निकाल वो चीजें नहीं निकालता जो आपका इंडिजिनस है, जहां से बात करनी है, सच बोलना है, ये एक जुमला है, उस सच के पीछे कितने रिवायात हैं, कहां तक जाना है, पर्दा एक हुक्म है, लेकिन मेरे यहां मसला ये कि मेरे यहां तो दीवारें भी नहीं है,
तो मैं किस चीज का पर्दा करूं? आप उसको एक बुरके से निकालकर उस रवैये तक पहुंचाते हैं जहां गांव की हर औरत को कुछ साल पहले तक मां बहन समझा जाता था। आपने कब्र पोत कर उसको वो रवैया उसके हाथ में देना है। ये है काम, ये है उस टूल के बाद आप फिर बेफिक्र हो जाएं कि उसके जेब में है तो महफूज है। आपका क्या टेक इस पे? जी जी, आपने शिवा दो सवाल किए थे जिनमें से एक का भी जवाब जफर ने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा वो तुम देना। तो बहरहाल आपने एक सवाल तो ये किया कि जितने लोग यहाँ नौजवान मौजूद हैं, जिस भी एज के हैं वो और देखने वाले हैं टेलीविजन, क्या वो ये सब देखना चाहते हैं या नहीं? मैं आपके बिहाफ पे तो ये जवाब नहीं दे पाऊंगी मुकम्मल तौर पर, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ऐसा किया जाता है, जैसे हमने भी कहा कि ड्रामे के अहकामात नए क्या होंगे, कि आपको दिखाया क्या जाए। ये चॉइस लेने की ताकत कुछ लोगों के पास रहती है हमेशा, कि आपको ये दिखाया जाए जो कि शायद आप न देखना चाहते हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर काबली पुलाव इतना हिट है और मिलियंस ऑफ लोग उसको देखते हैं तो वो यही देखना चाहते हैं। वो शायद वो बाकी सब चीज़ें नहीं देखना चाहते जो उनको दिखाने पर मजबूर किया जाता है। दूसरा, हम लोगों के लिए टेलीविज़न एक बहुत अहम मीडियम है। तकरीबन 60% से ज़्यादा लोगों के पास एक्सेस है और अब तो और बढ़ गया है क्योंकि आप यूट्यूब पर उसको देख लेते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिससे आप पहुँचा सकते हैं बहुत सारी बातें। जब पहुंचाने की बात आती है तो मैं ये नहीं समझती कि हम में से कोई भी आपको कुछ सिखा सकता है। हम शायद आपकी निशानदेही कर सकते हैं कि हमें ये नज़र आ रहा है, हम उसे प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब आप बताइए कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। ये जो सवाल करना को जो इंस्टिगेट करता है या स्टिमुलेट करता है, आर्ट की कोई भी फॉर्म है, वो आपको क्वेश्चनिंग माइंड की आपको जो स्टिमुलेशन देता है कि आप सवाल कर सकें। जवाब हम में से न कोई दे सकता है, ना ही वो अहम है। सवाल बहुत अहम है। अगर आप वो कुछ सवाल कर सकते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं कि क्या अगर यही है जो दिखाया जा रहा है, जो हमारे माशरे में होता है, तो ये सही है या गलत है या इसमें किसी तब्दीली की गुंजाइश है। दूसरी बात ये भी है कि एक सिस्टमैटिक तरीका जो आपने अभी कहा असकर मुझसे कि क्या ये नुमाइंदगी हो भी रही है यूथ की हमारे टेलीविजन प्लेज में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। देखिए, आप लोगों को एक ख़ास वैल्यू सिस्टम के ऊपर चीज़ें दिखाई जा रही हैं और वो वैल्यू सिस्टम हर इंडिविजुअल का अपना होता है। वो हर एक ज़ाती फैसला भी होता है कि वो किस चीज़ को अपनाता है, किसको नहीं अपनाता, फिर वो जाकर एक माशरे की वैल्यू सिस्टम्स बनती हैं। हम लोग सक्सेस स्टोरीज औरतों की नहीं देखते, जो हमसे बहुत शिकायत रहती है कि मज़लूम औरतें देखते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। हम अपने हाउस होल्ड में जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है, हमें लगता है वो बहुत नेगेटिव है। आपस के रिश्तों में हम बहुत मसाइल देखते हैं, जो कि हर घर में ऐसा होता हुआ नहीं है। लेकिन आपको यकीन ये दिला दिया जाता है कि औरत मज़लूम है, अगर वो जुल्म सहती है तो वो अच्छी औरत है। इसलिए आप भी चुप। आप YouTube की तरफ आपने अपनी तवज्जो की। पिछले कुछ अरसे में मैंने देखा कि आपके कुकिंग शोज और कुछ मजाहिया और कुछ इस तरह की चीज़ें, क्या वजह थी? कोई ज़ाती वजूहात थी या कोई किसी चीज़ ने दिल बर्दाश्त किया और आपने उन चीज़ों को छोड़कर आप उस तरफ गए? अस्सलाम वालेकुम जनाब। दिल बर्दाश्त होने वाली बात तो मैं खैर रहने ही देते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते। तो वो तो दिल का काम है जी, होप करना, और फिर दिल ही का काम है जब होप टूटे तो फिर कुछ और होप करना। सो आई एम स्टिल वेरी होपफुल। जो फूड चेन होती है, मुझे लगता है वो इकोसिस्टम का एक बुनियादी एक क्लासिफिकेशन है। और आप चाहे फिल्म की बात करें, चाहे हम पीटीवी के ज़माने से उसको शुरू करें, उसमें कहीं ना कहीं यू नो पावर फिगर्स, अथॉरिटी, कंट्रोल करने वाले, सपोर्ट करने वाले,
उसको पनपने में, उसकी निगहदाश्त में एक एक्टिव रोल अदा करने वाले वो सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। लेटली ड्रामा सिर्फ और सिर्फ टीवी का ड्रामा मुझे लगता है बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उसके इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की बुनियादों पे होने लगा। मैंने टीवी का ड्रामा 7-8 साल से नहीं किया क्योंकि मैं 25-30 किस्तों का ड्रामा नहीं करना चाहता। उसमें डायरेक्टर को एक साल लग जाता है बनाने में एंड आई विल बी ऑनेस्ट मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो जो मिथ है कि ये सब जिसमें आप प्लीज मुझे भी शामिल कीजिएगा ताकि आप ऑफेंड ना हो, ये सब बेवकूफ हैं, ये सब सिर्फ एक चीज देखना चाहते हैं और ये सब मुख्तलिफ चीजें नहीं देखते, तो फिर यही सब काबली पुलाव भी देखते हैं, यही सब परीजात भी देखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी वक्त की कमी की वजह से या कभी ओवरऑल आई डिडंट कम अक्रॉस अ स्क्रिप्ट व्हिच आई थॉट वाज गुड इनफ एंड उसमें मेरी मिसफॉर्चून कह लीजिए, मैं और बी एक चीज पे काम कर रहे थे वो चीज नहीं बन सकी। जो चंद लोग अच्छे लिखने वाले हैं जफर भाई हैं, शाहजी ने लिखना छोड़ दिया। तो अब फिर जब हमारे पास गुंजाइश कम बचती है तो वो एक कंप्लीट टेक ओवर तो हुआ है। तो मैं फूड चेन की बात से कनेक्ट इसलिए कर रहा था कि अब जहां आपको बहुत एक डेमोक्रेटिक आजादी महसूस होती है, जैसे जफर भाई ने कहा कि आप खुद ही प्रोड्यूसर, आप खुद ही राइटर हैं, अब तो लोग कंटेंट को भी फिल्म कह देते हैं, जो कोई वीलॉग कर रहा है उसको भी फिल्म मेकिंग के साथ, आई मीन सो इट्स अ वेरी मिक्स्ड बैग राइट नाउ। सो वो जो एक इंडिपेंडेंस थी परहैप्स मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने जिस तरह हमारे फूड चेन में फिल्म में एक डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिबिटर का बड़ा मेन काम होता है, तो मैंने कहा ठीक है मैं डायरेक्टली कर देता हूं और मैंने अपनी फिल्म यूट्यूब पे डाल दी एंड आई थॉट आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पास। सो विद न्यू टाइम्स ऑफ कोर्स देर आर न्यूअर चैलेंजेस, बट आई स्टिल फील कि आर्ट की बुनियाद में फॉर्मूले का ना होना एक रिक्वायरमेंट है। Nothing can be absolute. I cannot make a universal drama. None of us can claim कि हम एक कहानी ऐसी सुनाएंगे जो सबको भा जाएगी या सबके साथ कनेक्ट कर जाएगी। I think that is where the flaw lies. And that is what they are trying to mislead us कि यही चलता है, लड़का लड़की होते हैं, अर्बन क्लास होती है, सिर्फ कराची के माहौल में बनता है, you know all of those things and we are all bored of that. Variety is essential. हम बात कर रहे थे अभी ड्रामे की असनाफ की, कॉमेडी वी डोंट डू कॉमेडी, वेयर आर द कॉमेडी राइटर्स, नोबडी राइट्स कॉमेडी एनीमोर, यू नो लाइट हार्टेड चीजें नहीं हम लिख रहे। हर एक की अपनी स्पेशलाइजेशन है, जो जफर भाई लिखते हैं वो उनका एक मिजाज है, उनका एक तरीका है, बी गुल का एक अपना मिजाज है, उसका एक स्पेक्ट्रम हो सकता है, शादी का एक अपना मिजाज रहा। लाइकवाइज वी हैड पीपल लाइक फारूक कैसर साहब, वी हैड पीपल लाइक यू नो द ग्रेट कमाल रिजवी साहब, हु वर राइटिंग थिंग्स विच हैड वैरायटी, एवरी डायरेक्टर हैड एन इंडिविजुअल फ्लेवर। जो नुसरत ठाकुर साहब करते थे या जो आपके निसार हुसैन साहब करते थे और जो सायरा करती थी, जो शोएब साहब करते थे, जो शहजाद साहब, हर एक का काम उन्हीं पीटीवी की ग्रे दीवारों में फर्क लगता था। मुझे ऐसा लगता है कि दिस होल कॉर्पोरेटाइजेशन हैज रिजल्टेड इन सम फैंटम जिसको हम कहते हैं कि ये लोग ये चाहते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि वो जो ये लोग का एक मफरूजा है वो कुछ हद तक अब टूट रहा है। काबली पुलाव इज एन एक्सेप्शन, अ ब्रिलियंट एक्सेप्शन, एक बड़ी उम्र के आदमी की कहानी जो मेन इंटेग्रल रोल प्ले कर रहा है, वेयर एज टीवी पे आप किसी को पिच करके दिखाएं दे वुड परहैप्स यू नो शो यू द डोर एंड दे वुड नॉट वांट टू मेक इट। बीगल हैज रिटन स्टफ व्हिच वाज परहैप्स टू रिस्के फॉर टीवी, लेकिन शी पिक्ड अप एंड रोट इट एंड इट वाज मेड। कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, उस खौफ में रह के सिर्फ हिट और फ्लॉप वाले में ड्रामा नहीं ग्रो करेगा, ड्रामे को वैरायटी के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ, बहादुरी के साथ नहीं चले कोई ड्रामा, लेकिन लिखने वाला बनाने वाला रुके ना, जो जिस तरह की कमिटमेंट रखता है अपने काम के साथ, दैट इज वेयर वी नीड टू यू नो फोकस। एंड आई फील अब लोगों को ये समझ आ रही है कुछ हद तक कि श्योर मेरिट्स की मैं बात या डी मेरिट्स की नहीं कर रहा, यू कांट ऑलवेज फ्लॉन्ट अ सुपर हिट, इट्स नॉट ओनली दैट काबली पुलाव इज जफर मिराज फर्स्ट वर्क,
He has written many more plays which were remarkable enough. Beagle has written plays which were perhaps not super hit, like, I don't know, Humsafar. But that does not mean that, you know, unki quality of writing kam hai. अब हर चीज को सिर्फ एक पैमाना जो है, मुझे लगता है वो क्वांटिफाई जो हमने कर दिया है वो एक गलत चीज है. एंड आर्ट्स डू नॉट नीड टू बी बाउंड टू एनी फॉर्मूला. एंड इवन एट टाइम्स आई फील, मैं तो ऑडियंस के बिहाफ पे भी नहीं सोचना चाहता, मैं पहले अपनी ऑनेस्टी को गेज करना चाहता हूँ. मैं ये पेट्रोनाइज नहीं करना चाहता कि मैं आपको सही कर रहा हूँ, मैं आपको तबलीग कर रहा हूँ. मुझे कहानी में अपना कन्विक्शन पहले चाहिए एज एन आर्टिस्ट, एंड देन आई एम विलिंग टू टेक सम रिस्क. What I did with Humsafar, or what I did with Shashlik, or what I did with Manto, it was a completely different audience in mind. Or not. I never think about it, to be honest. I feel it's my right to experiment. And some things will work and some things will not. Wo Giddar Singh to kisi ke paas nahi hai. So if that sense of freedom is there, as far as it not making you a coward, ke aap apni hi skill ko, apni hi craft ko polish nahi kar rahe, मिमिक्री कर रहे होते हैं, तो कहीं उन्होंने आपका रोजगार तो नहीं छीन लिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है. लेकिन असल में अभी भी कुछ चैनल्स पे सिटकॉम बनते हैं. सिटकॉम मुखफ्फ है सिचुएशनल कॉमेडी, ठीक है साहब, सिचुएशन होती है वो कॉमेडी. लेकिन बदकिस्मती से उस सिटकॉम में अगर 6 एक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसमें खवातीन भी हैं मर्द हजरात, वो सब कॉमेडी कर रहे होते हैं, सिचुएशन को नहीं समझते. कबाचा जो मेरा ये ख्याल है, और आई एम श्योर मेरे उस्ताद बताएंगे कि वो सिचुएशनल कॉमेडी थी. उसमें कबाचा एक कैरेक्टर था जो हर घर में होता है, हर खानदान में होता है. यकीनन को एक बेवकूफ सा आदमी जरूर होता है जो कि लोगों को बेवकूफ लगता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होता. नहीं होता. तो उसने तबाही मचा दिया. जैसे अभी शाह साहब ने कहा कि वो जो अब तो हर जो न्यूज चैनल है उस पे छे छे हमारे सब फनकार भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये कहानी बिल्कुल बदल गई है. अब समझ में नहीं आता कि कॉमेडी कौन सी चाहिए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस का कसूर नहीं है इसमें, हमारा कसूर है. देखिए, हम जो देंगे पब्लिक वो ले लेगी, क्योंकि आपके पास एंटरटेनमेंट टेलीविजन के अलावा कौन सा एंटरटेनमेंट है हमारे मुल्क में? कुछ भी नहीं है. क्रिकेट था, वो आपने देख लिया उसके साथ क्या हुआ और अभी तक हो रहा है. तो मैं ये समझता हूं, एक तो लिखने वाले भी, जैसे हसीना मोइन ने लिखे हमारे जो जिसमें बड़े कैरेक्टर हसनात भाई और कबाचा और बहुत से कैरेक्टर उसमें कॉमेडी थे, तो वो सिचुएशन कॉमेडी. दूसरा, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स जो थे वो बड़े मशाक लोग थे. ये एक्शन रिएक्शन का काम है ना ड्रामा, तो वो कैप्चर करते थे एक्शन, जिसने किया फिर रिएक्शन आया उसका, तो वो कैप्चर होता था. कबाचा कैसे चलता है, कैसे अटकता है, कैसे गिरता है, वो सब शहजाद खलील ने कैप्चर किया. तो कबाचा का क्रेडिट सब लोग, ये गलत है कि मुझे, ये मेरी टीम थी, आप यकीन जानिए मैं अकेला कुछ नहीं था उसमें. उसमें डायरेक्टर, मेरे फेलो एक्टर्स, इवन जो टेक्नीशियन थे उसमें एक बहुत जबरदस्त हमारे कैमरामैन थे फैसल नदीम मरहूम जी, वो भी बहुत से एक्शन करके मुझे बताते थे कि यार बैरोज ऐसा कर लो, और वो हिट हो जाता था. तो
अब वो नहीं रहा, शाह साहब ने तो बिल्कुल ही खैर बात कह दिया है, क्योंकि ये अब यूनिवर्सिटी में डीन है और बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दरस तदरीस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो असातज़ा का जो जो स्ट्रक्चर है वो सबसे अफजल है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इलिटरेसी ऊपर है, तो इसी वजह से हम ये भुगत रहे हैं। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है तो माशरे की शक्ल ये बन गई है। बिल्कुल, आप का प्ले आजकल मैं एक देख रही हूँ जिसमें खवातीन बल्कि वर्किंग वुमेन के हवाले से बहुत अच्छा उसमें आपने स्टोरीज डिफरेंट वर्किंग वुमेन की ली हुई हैं। क्या रिस्पॉन्स है आपके उस प्ले पे, क्योंकि बहरहाल वो माशरे में वो मसाइल हैं मौजूद। जी, एक तो ये कि वो जब ये आइडिया डिस्कस हुआ था और ये कि इसके ऊपर लिखा जाए कि जो वर्किंग वुमेन है मेजॉरिटी, जो हमारे यहाँ हर क्लास की, हर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की औरत काम करती है, उसकी कहानी बनाई जाए, तो ये बहुत मेरे लिए तो ये बहुत दिलचस्प चीज़ थी। जब बन गया तो वो बहुत खुशकिस्मती मेरी हमेशा रही है कि जब मैं लिख रही होती हूँ और वो शूटिंग हो रही होती है तो वो पता नहीं रह जाता है चैनल वालों से पढ़ने से, तो वो बन जाता है जैसा लिखा गया होता है। और जब वो बन जाता है तो वो चलाने पे भी राजी हो जाते हैं कि अच्छा बस बन गई एक चीज़, जल्दी जल्दी चलाओ, ये स्लॉट हमें फिल करना है। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने, किसी ने देख लिया उनमें से तो वो ज़रा परेशान हो गए, तो और उन्होंने कुछ देर उसको रोक लिया, और हमें ये खदशा था कि शायद बैन हो जाएगा, तो वो फिर बैन इसलिए नहीं हुआ कि स्लॉट फिल करने को कुछ नहीं था। तो मैं बहुत मजबूरियाँ मेरे बहुत काम आई हैं चैनल वालों की मजबूरियां, तो उन्होंने कहा कि तो चलाना पड़ेगा, स्लॉट नहीं है। जिस रोज सुबह जाना था हमने रात में फोन किया आप इसका टाइटल बदल दें, तो मैंने कहा कि क्यों टाइटल, कोई ड्रामे जैसा नाम रखें तो वर्किंग वुमेन ना रखें। तो वो मुझे बहुत क्रिएटिव आइडियाज आए कि मैं क्या रखूं ड्रामे जैसा नाम। तो मैंने उनसे कहा कि मगर इसमें क्या बुराई है, हर किसी को ये टर्म पता है कि वर्किंग वुमेन क्या होती है, ये ड्रामे जैसा टीवी जैसा नाम नहीं है। बहरहाल वो एक स्टैंड मेरी डायरेक्टर ने जो यास्रा है उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको ऐसे चलने दीजिए जैसा ये है। शुरू में कुछ उसमें उन्होंने सेंसर करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब यूट्यूब के ऊपर वो गया तो उसकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और जब मिलियंस में उनके व्यूज चले जाते हैं तो वो आराम से बैठ के, 9 बजे का स्लॉट है, 2 मिलियन क्रॉस कर रहा है, बस ठीक है हमारे पैसे बन रहे हैं, तो वो फिर आराम से बैठ जाते हैं, उनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। वही चीज़ जो उन्हें लगता है कि सेंसर होनी चाहिए, वन सेंसर चली जाती है। मैं बहुत क्लियरली ये बात ये कह रही हूँ कि उनकी जैसे भी सरमंद का कोई पॉलिसीज उनकी भी बहुत ही शेकी हैं, वो कुछ उनको भी मालूम नहीं क्या करें, वो भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लेकिन शिवा उस पर जितना हमारे सब लोगों के साथ, हम राइटर्स के साथ, शर्मत के साथ, हम सबके साथ ही रहा है कि जब हमने लिखा है तो हमें अप्रिसिएशन भी मिलती है, हमें बहुत हेट मेल्स भी आती हैं। मुझे बहुत सी तनकीद का ये सामना है कि मैं लड़कियों को बिगाड़ रही हूँ, औरतों को मैं उनको बहुत गलत रास्ता दिखा रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ जो कि इस माशरे की वैल्यूज़ का हिस्सा नहीं है। और गलत रास्ते से क्या मुराद होती है कि वो अपनी मर्जी करना चाह रही होती हैं या कहने के खुल के जीना चाहती हैं? देखिए जैसे इससे भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एक तो मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि एक तो अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं, अपनी मर्जी से पहनना ओढ़ना चाहती हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाहती हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, अपने हकूक को जानती हैं, उसके लिए सवाल करती हैं। और फिर ये कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में हैं और वो कोई फैसला उस रिलेशनशिप में लेती हैं, तो मुझे बहुत ताज्जुब का ये है मामला कि जो उस रिलेशनशिप में एक मर्द शामिल है उसका कोई जिक्र नहीं होता। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी जिम्मेदारी उस औरत के ऊपर डाल दी जाती है कि ये गलत कर रही है, इसको तो ये नहीं करना चाहिए था, इसने अपने मंगेतर के साथ ज्यादती की, इसने अपने शौहर के साथ गलत किया, ये फैसला कैसे कर सकती है। अगर उसने किसी
मौके पर आकर ये फैसला किया कि मैं इस घर से निकल के किसी और शहर में जाके काम करना चाहती हूँ, तो आप ये सिखा रही हैं कि आप लड़कियां घरों से बाहर निकल जाएं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, अप्रिसिएशन भी आती है, बहुत तनकीद का सामना भी होता है, लेकिन उसमें खुशाइन बात यह है कि दोनों धड़े देख रहे हैं, कम अज कम ये डिस्कोर्स है, जो तनकीद करा वो पहले देखेगा तभी तनकीद करेगा, तो ये मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग लगता है। जैसे जफर साहब ने कहा कि तब्दीली जाहिर है एक आध रील देखकर अचानक नहीं आ जाती, कॉम्प्लेक्सिटी है भाई। आखिर इस सारे जो इसका रिजल्ट है, इसने कहीं तो जाना होता है ना, ये ऐसे ही खामखा में तो नहीं रहता। तो काबली पुलाव सबसे बड़ी खुशायंद बात यह है कि उस टेबल पे इसमें सरमद पीगुल शाह साहब ये इस लाइन के सारे लोग जो है ना वो उसके स्टेक होल्डर हैं, हर वो शख्स उसका स्टेक होल्डर है जो चैनल के टेबल पे बैठकर जब इस तरह की कहानी सुनाता था तो आगे से उसको कहा जाता था कि यार लोग ये देखना नहीं चाहते। लोगों ने बता दिया कि भाई तुम बीच में से हट जाओ। मैं तभी ये बात करता हूं कि मैंने अभी जो कब्रिस्तानों की बात की, ये एक काबली पुलाव जिसके लिए मुझे लाखों मैसेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफगानिस्तान से मिले हैं, एक ताल्लुक जुड़ा है ना, यही बारबीनाएं, ये याजी मुश्ताक, यही लोग जो इन गलियों और हमारे घरों और इन मोहल्लों में रहते हैं। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि कहानी क्या होती है और बड़ी कहानी क्या होती है जो एक मामूली आदमी को गैर मामूली बना दे। हम इन आज हम क्वेटा, अभी जो बात हो रही थी, क्वेटा पेशावर कराची लाहौर वाले एक दूसरे को खबरों से जानते हैं, क्वेटा में इतने लोग शहीद हुए, लाहौर में इतने मारे गए, इस्लामाबाद में इतनी चोरी हुई, कराची में इतनी बोरीबंद लाशें मिली। ये जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती थी कहानी के थ्रू, इस कनेक्टिविटी ने उसको नफरत में बदल दिया। पंजाबी बलोच से डरता है और बलोच पंजाबी से नफरत करता है, ये खबर की वजह से है। अगर इसके बीच में कहानी आ जाए ना, काबुली पुलाव उसकी कोशिश है। हम शायद इस वक्त एक स्टेडियम था शारजा में, फिर मैं क्रिकेट की बात करता हूं, जहां पाकिस्तानी और अफगानी एक दूसरे से दस्त गिरेबान हुए, एक दूसरे को उन्होंने थप्पड़ मारे एक क्रिकेट मैच के ऊपर। उस वक्त किसी ने उस काबुली पुलाव को नहीं देखा कि यार ये जो हमने अपनी गलियां, अपने शहर, अपनी हवा, अपना पानी, अपने कारोबार, अपने रिश्ते, अपनी मोहब्बतें, अपनी सड़कें, अपनी चौराहे तुम्हारे साथ शेयर किए थे। उस वक्त एक आजी मुश्ताक और एक बारबीना इधर रह रहे थे ना, ये सिर्फ और सिर्फ खबरों की वजह से है, जिसने मुजाहिदीन और तालिबान और फिलान और फौजी और इसकी वजह से हमें एक दूसरे का गरेबान में लाके डाल दिया। ये ड्रामे की नाकामी है, ये फिल्म की नाकामी है। जिस सोसाइटी में कहानी होना, उसको खबर उखाड़ नहीं सकता। मसला यह है कि जब कहानी ड्रामा भी खबर बन जाए तो फिर जाहिर है उसका क्राइटेरिया इस्तराब है, कॉम्प्लेक्सिटी है, नफरत है, और उससे जो जन्म लेगा ना वो उस स्टेडियम के 130,000 बंदे होंगे, वो एक सोसाइटी होगी जो नजर आती है। उधर शाहरुख भी बैठा था, नरेंद्र मोदी साहब भी बैठे थे, शायद उनको किसी वक्त ये बात समझ में आए कि जो तसल्ली अब दो प्लेयरों को पकड़ के उनके हाथ को उनको तसल्ली दे रहे थे, ये तसल्ली आपके 130,000 लोगों को जरूरत है। वाँ वाँ। और ये कहानी के जरिए दी जाती है मंदी साहब, ये ऐसे ही पॉलिटिशियन के हाथ से पकड़ के नहीं दी जा सकती। तो ये काबुली पुलाव जैसे ये ज्वाइलैंड और रकीब से और शाह साहब और बैरोज साहब के जो काम, तो मसला ये है कि ये सारा
हम सब उसी लाइन में खड़े हैं, बस यार ये जो बंदा टूथपेस्ट और ये जो स्किन की चीजें बेच रहे ना, इसको जरा ये बताना है कि हम क्या चाहते हैं, तुम हमें मत बताओ कि हमारे लिए क्या जरूरी है। एक सवाल मैं सरमत से करके फिर मैं एक दो सवाल आपसे लूंगा। जो बात जफर मिराज ने की उसका एक और पहलू भी है कि अफगानी टीम के कुछ खिलाड़ियों ने, कुछ अखबारों में आया कि उन्होंने इस जंग में, जंग यानी क्रिकेट की जंग में, उन्होंने कुछ नाजेबा हरकतें भी की, कुछ बातें भी की वगैरह वगैरह। आज ही टीम पिशावर में ग्रूम हुई है, अफगान क्रिकेट टीम, आज ही टीम, और कोच हमारे। जब ये रिलेशनशिप्स हो, उससे भी बड़ी बात कि काबुल की कुजीन आधे कराची में फरोख्त हो रही है, काबुल की कुजीन आधे लाहौर में, कभी किसी शिनवारी के नाम से, कभी काबली के नाम से, कभी किस नाम से, रिश्ते इस तरह होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो इन चीजों में जो कहानी वो कहते हैं मिसिंग है, वो ये कहानी थी। इस कहानी को अगर सामने लाया जाता तो ये नफरत और हेट और ये सारी चीजें ना होती, कि रिश्ते इस तरह बने हैं और ये आगे चलेंगे। कोशिश आपने बहुत अच्छी की कि किस तरीके से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इन सब में कॉमन जो 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 दोस्तियां हैं वो क्या हैं, अब ये है। सो इसको आगे लाने की जरूरत थी। और मेरा बस सवाल सरमत से ये कि जिस सोसाइटी ने आपको बड़े दुख दिए हो, स्पेस ना दी हो, उस सोसाइटी में आप किस तरह का काम करना चाहते हैं या क्या करना भी चाहते हैं कि नहीं? करना चाहता हूं तो मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, आई होप। चलिए, सोसाइटी भी आमतौर पे हमें वही लगता है कि कोई एक्सटर्नल चीज है जो हमसे अलहदा है, नहीं, सोसाइटी हम ही होते हैं। और जो एक चीज मैं समझता हूं हमें सोसाइटी में सिखाई जाती है या बार बार बोली जाती है, वो बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम समझते भी नहीं और हम बिला वजह उनको क्लिंग करते रहते हैं। सो एक आई ओपनिंग मेरे लिए यही था कि हाँ, सियासत का सोसाइटी के साथ एक ऐसा ताल्लुक है जो हम सबको समझना है। बहुत सी चीजें हमारे समाजी शऊर में शामिल ही नहीं है जो कि बहुत सी बुरी सियासत की वजह से की जाती हैं। मुझे जहाँ बहुत सी ऐसी मतलब सपोर्ट मुझे लगता है हासिल है बहुत से अच्छे लोगों की, तो वहाँ कोई बात नहीं, कुछ लोगों के नज़रियात अगर मुझसे मुख्तलिफ भी हैं तो उनमें कुछ चीज़ों की कमी है और उसका एहसास मुझे हो गया, एंड दैट इज ओके, दैट इज फाइन। मैं अगर किसी से डिसएग्री करता हूं तो मैं रिस्पेक्टफुली करता हूं और अपने काम के जरिए करता हूं। अगर मुझे डिसएग्री करना है तो मुझे लगता है कि सोसाइटी मार्जिन दे देती है, आपको अपनी लालच कम करनी पड़ती है। जिंदगी तमाशा अगर सबके मिजाज की नहीं है, आई स्टिल फील इट्स माई राइट टू मेक इट एंड आई वुड वॉन्ट दैट राइट टू बी विद मी। आई एम नॉट डिमांडिंग कि मेरी फिल्म मौलाजट जितनी देखी जाए, राइट? आई थिंक मेरा राइट है कि अगर मैं एक कहानी अपने अंदाज से सुनाना चाहता हूं तो जब तक सकत होगी, जब तक हिम्मत होगी, मैं करूंगा। आई फील के एज एन आर्टिस्ट मेरी पहली जिम्मेदारी अपने खुद के जमीर के साथ भी है और मैं अपने काम के थ्रू नफरत फैलाना नहीं चाहता। दैट इज नॉट द जॉब ऑफ एन आर्टिस्ट एंड आई हैवन डन दैट। हम बात जब करते हैं कि जो कुछ जिंदगी तमाशा के साथ हुआ, फॉर एग्जाम्पल, तो बीगुल कह रही थी जैसे कि हेट नहीं, थ्रेट्स भी होती हैं, आप अनसेफ भी फील करते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ ऐसे मराहल आए जहां पे मुझे लगा कि मैं काफी ज्यादा अफेक्ट हो गया हूं या ये चीज बदलनी चाहिए, लेकिन इस बात को करीबन अब 3 साल हो गए, I would only say passport मेरा हरा ही है अभी तक। Thank you. Quick questions और quick answers, please, एक दो हम लेंगे। जी, मैं मैम बीगल साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने ड्रामे का जिक्र किया, वेस्टर्नाइज, ईस्टर्नाइज, तो जो हमारी इस वक्त सोसाइटी में जो टर्किश प्लेस चल रहे हैं जो एक एक साल में खत्म होते हैं,
उनको हम इतनी टाइम भी देते हैं, तवज्जो से देखते हैं, तो क्या हमें वहां से भी कुछ अभी सीखने की जरूरत है? थैंक यू जी, बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बहुत दिलचस्प है। इस्लामिक जमहूरिया है वो भी जहाँ के ड्रामे हम देख रहे हैं, और जब हमने पहले उनके ड्रामे आना शुरू हुए थे वहाँ से, एक इस्लामिक कंट्री से, तो कोई एतराज़ नहीं उठा था यहाँ पर, कोई उसके ऊपर पैमरा के नोटिसेस नहीं आए थे, उस किस्म के ना लिबास हमारी एक्ट्रेसेस को पहनने की इजाज़त दी जाती है, ना उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और थीम्स के ऊपर यहाँ बात की जाती है। लेकिन वहाँ से आई हुई चीज़ को हमने बहुत रैपिडली ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने उसको उठाया, उससे बहुत पैसे बनाए, वो बहुत पॉपुलर कॉन्टेंट है। तो ये बहुत ही एक दिलचस्प कॉन्टेंट है ये, जिसके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन बनती है कि आप अपने लोगों को जिस किस्म का इस्लाम रहे हैं, जब वो ही एक और इस्लामिक कंट्री से वो कंटेंट आता है, तो वहां तो आपको कोई एतराज नजर नहीं आता, उसको तो आप अपने सर आंखों पर बिठाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। एक और क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशन जो अभी शर्मा साहब ने बड़ी राइटली पॉइंट आउट की कि हमारे ड्रामास में और मूवीज में, थिएटर में कॉमेडी और तंजो मिजा ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है और ख़त्म ही हो गया। अनवर मकसूद, फारूक कैसर, मोइन अख्तर के बाद कोई ऐसी कोई लेगेसी नहीं आ सकी जो कैरी कर सके। क्या इसकी वजूहत है कि क्या ऑडियंस की तरफ से कोई लैक ऑफ इनिशिएटिव ऐसा हुआ कि आप राइटर कम्युनिटी उस चीज़ को आगे नहीं ले सके? इसकी आप इस चीज़ की लैकिंग से जो रिप्लेसमेंट आ गई वो आ गई स्टेज के जुगतबाजी और बेहुदा किस्म की जो ठीक है। आपका क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका जवाब कोई देना चाहे, सरमद आप दे दो कि कॉमेडी को रिप्लेस। कॉमेडी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरा ख्याल है कि एक फैक्ट ये भी है कि उसके स्पेशलिस्ट कम रह गए हैं, ये एक आयां सी हकीकत है। आखिरी सिटकॉम्स भी इवन जो मुझे लगता है कुछ ढंग के लिखे जाते थे वो चंद ही लोग थे, या कॉमेडी का ओवरऑल जो एक अंडरस्टैंडिंग था। दूसरा, इस तरह बेहुदा की बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये वाली लाइंस हमें ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए। फिर जैसे अभी बिल्कुल कह रही थी कि तुर्की का ड्रामा है उसमें हम कुछ भी देख लेते हैं, पूरी दुनिया में हमें पता है एक मिजाक की कैटेगरी है जो एडल्ट कॉमेडी होती है, उसमें फजूल बातें भी होती हैं। बात सिर्फ ये है कि सिर्फ वो रह जाना खतरे की बात है, उसको रहने दें। लेकिन हम क्या करते हैं, सबकी तवज्जो हो गई, गंदा है गलत है गलत है गलत है। नो, अब टिकटॉक के साथ फॉर एग्जांपल हमारे यहां में लगता है ओहो इखलाकियात का जनाजा निकल रहा है टिकटॉक पे, ये हो रहा है वो हो रहा है। आई डोंट बिलीव दैट, आई फील इट्स एन आउटलेट, लोग कर रहे हैं, अब मासूमियत से कुछ बना रहे हैं, कुछ शातिरपने से बना रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ बेहुदा बना रहे हैं। पूरी दुनिया में टिकटॉक को तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो जस्ट दैट लैक ऑफ वैरायटी आई फील इज अ सैड ट्रूथ, एंड विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर राइटर, बट आई थिंक कॉमेडी लिखना करना बाकी असनाफ की नस्बत थोड़ा ज्यादा मुश्किल है मुझे लगता है। कॉमेडी जैसे बेरोज भाई कह रहे थे कि शक्लें बना के सिर्फ या केले पे से फिसल के तो उसके छिलके से कॉमेडी नहीं होती, राइट? उसमें बारीक बातें होती हैं, उसमें इवन जुगत इज सच अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ यू नो कॉमेडी, और जुगत बहुत एक उम्दा मतलब तारीख को, कल्चर को, हिस्से मिजाक को सबको समो के बर्जस्तगी के साथ गुफ्तगू होती थी। मतलब अमानुल्लाह साहब, आई मीन फॉर गॉड सेक्स, आई मीन अ लेजेंड इन जुगत, I feel what a legend. I don't think हम जब उनको याद करते हैं तो हम उनके वन लाइनर्स याद करते हैं। मैं तो आई फील कि हमें हर चीज के ऊपर गंदे अच्छे और बुरे और हमने ये नहीं करना, वो एज अ सोसाइटी हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, एंड हेंस इट वुड ट्रांसलेट इन टू आई फील डाइवर्सिटी एंड वेराइटी। एक आखिरी सवाल बस, आप में से कोई करना चाहे तो जी। ये मेरा नाम रुबाब है, मेरा सवाल आप सब से और तमाम राइटर से है सकाफत और लिटरेचर के लिए कि आई बिलोंग टू जिम्मेदार फैमिली, ये जो आपके जितने भी ड्रामे बनते हैं कभी किसी ने हमेशा बताया कि जिम्मेदार ने जुल्म किया, मारा वडेरे ने मारा, या पीर बुरे हैं?
अब मेरा घराना आई बिलोंग टू सैयद फैमिली, आई बिलोंग टू पीर फैमिली, कभी ये नहीं बताया कि पीरों की बेटियों को, शहीदों की बेटियों को अपनी फैमिली का नाम रखने के लिए कितना कुछ सफर करना पड़ता है, और जो जिम्मेदार हैं उनको इतना लोग तंग करते हैं, उनके अपने मुजेरे इतना तंग करते हैं कि हम लोग बस वो सफेद पोशी में अपना सिर्फ खानदान का नाम लेके बैठे होते हैं। मतलब हमें इतना पता है कि पैसे हो ना हो, चलो तख्त ताज वाले भी आके हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि आप लोग हमारे ऊपर क्यों इतना बुरा दिखाते हैं कि जिम्मेदार इतने बुरे होते हैं, पीर इतने बुरे होते हैं। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के लिए जमीनें अपनी दी। मैं आप लोगों की इजाजत इसका जवाब देना चाहता, मैं इसका जवाब सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि मैं, मुझे भी बाहर किसी ने पूछा आपकी फेवरेट राइटर कौन है लिखने में, तो मैंने कहा फेवरेट राइटर से पहले अपनी नालायकी का एतराफ करना चाहिए कि मैंने पढ़ा इतना कम है। तो मुझे लगता है कि सॉरी माजरत के साथ, आपने शायद जफर मेराज के बहुत से ड्रामे नहीं देखे, आपने शायद पतझड़ प्यास नहीं देखा, विच वॉज आई डोंट एग्री विद दैट। स्टेरियोटाइपिंग है वो मेनस्ट्रीम में होती है हमेशा, वो मेनस्ट्रीम के काम में, लेकिन बहुत सा ऐसा काम हुआ जो कि शायद हम सिर्फ गिले की तरफ तवज्जो करते हैं, रिसर्च की तरफ नहीं करते। अब तो यूट्यूब का जमाना है, पीटीवी ने भी सब कुछ अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है, तो प्लीज देखिए हमारा ड्रामा बहुत लेयर्ड होता था, उसमें बहुत सी बातें होती थी। और स्नेक, अब मैं वही कह रहा हूं था तो आपका ये ना नहीं देखा तो वो देख के खुश हो जाए ना। हमने मिस्र के वो उसमें तो नहीं, पिरामिड्स में तो नहीं दफना दिया ना, वो मौजूद है। थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। क्लोज कर रहे हैं, मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा सरमद को सटका, बीगुल का, जफर मेराज का और बैरो सजवा। एक सवाल बस जरा जी। आप मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम एज अ कॉम क्यों नहीं बिल्ड हो सके, क्या इसमें हमारे लिटरेचर की भी कोई कमी रह गई? बिल्कुल, उसका मेरे हिसाब से, शाह साहब आप इजाजत दे तो, एक ड्रामा मैंने किया था 14 अगस्त का, उसका नाम था ब्राहिम की तलाश। अरबी में ब्राहिम लीडर को कहते हैं, तो लीडर कौमें बनाती हैं, ड्रामे नहीं बना सकती जी। और मैं सिर्फ ये इसमें ऐड करना चाहती हूँ, ठीक कह रहे हैं बहरोज बिल्कुल, कि अगर कुछ कौम हम बन पाए हैं तो वो हमारे लिटरेचर की वजह से ही बन पाए। और